Hello friends, welcome to getlectures.com. So we are back with a new video in this series of computer science, PGT computer science. So till now we have seen the subjects like operating system, computer architecture, TOC, and now we are going to start a new subject today, that is compiler design. Okay, so these videos will help you to crack an exam like PGT computer science in KVS or DSSB or other TGT exams. And now we have upcoming exams like ISRO and BARC. So these video series will help you to crack all these exams. So till now we have discussed only MCQs, but today we will have a different approach. What we will do is today we will see some basic theory of compiler design. First, we will discuss in 15 to 20 minutes what is compiler, how compiler works, and what are the phases of compiler, and what is the working of each phase. So, इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में अगर आप कंपाइलर डिजाइन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो भी आप कंपाइलर डिजाइन के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे सिर्फ इस 15 से 20 मिनट की इस थ्योरी में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ. सो मैं हाफ एन आवर में पूरा का पूरा आपको कंपाइलर डिजाइन के बारे में बताऊंगा, कंपाइलर डिजाइन क्या होता है और हर एक फेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं. ओके, सिर्फ वही बेसिक नॉलेज की जरूरत है जो नॉर्मल एग्जाम्स हैं लाइक पीजीटी और टीजीटी जो स्कूल लेवल के एग्जाम्स हैं उनको क्रैक करने के लिए. अगर आप बड़े एग्जाम्स की बात करो लाइक यूजीसी नेट और गेट, उसमें आपको हर एक फेस को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना होगा. लेकिन ये सिंपल एग्जाम्स हैं लाइक पीएसयूज हो गए, इसरो और इन सब के लिए आपको सिंपल बेसिक्स थ्योरी की जरूरत है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो आज हम कंपाइलर डिजाइन की पहले बेसिक थ्योरी देखेंगे, उसके बाद में 50 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे. तो अभी तक हमने किसी भी एग्जाम की किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी डिस्कस नहीं की है, डायरेक्ट हमने सिर्फ एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं. तो इसमें कंपाइलर डिजाइन में हम पहले कुछ नॉर्मल थ्योरी देखेंगे. ओके, तो अगर आपको कंपाइलर डिजाइन बिल्कुल डीप में पढ़ना है तो कंपाइलर डिजाइन के लिए सबसे अच्छी बुक जो है वो है कंपाइलर प्रिंसिपल्स टेक्निक्स एंड टूल्स. ये बुक का नाम है और ये है राइटर जो सबको पता है, उलमैन. सबसे बेस्ट राइटर है टीओसी के लिए भी और कंपाइलर के लिए भी. ओके, सो बेसिक कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है. हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं उसके बाद में उसको कंपाइल करते हैं. तो आप हमने वर्ड सुना है कंपाइलर, लेकिन इस पूरे सब्जेक्ट में एक पूरा सब्जेक्ट डेडिकेटेड है उस कंपाइलर फेस को कि कंपाइलर काम कैसे करता है. कंपाइलर का पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि कंपाइलर एक बहुत ही बेसिक सा काम करता है, और वो बेसिक काम ये है कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम एज ए इनपुट लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में. ओके, लो लेवल में वो लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम भी हो सकता है. तो असेंबली लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम सेम चीज़ है. ओके, सो आपका हाई लेवल कोई भी कंपाइलर होगा वो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम ऐसे इनपुट लेगा और उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा. वो प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, abc.c अगर वो सी लैंग्वेज में लिखा है, abc.cpp अगर वो C++ में लिखा है, abc.class अगर वो जावा में लिखा है. तो इस तरह से कोई भी हो सकता है हाई लेवल लैंग्वेजेस. इस तरह C++ जावा C#, ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं. क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, इसलिए आपको एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है जो आपका जो प्रोग्राम आपने नेचुरल लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि हर प्रोग्राम हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं. ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी हो लेकिन उसमें जो वर्ड यूज़ कर रहे हो आप इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़ कर रहे हो. लेकिन कंपाइलर सिर्फ जो आपका मशीन है वो सिर्फ 1010 की फॉर्म में समझता है. ठीक है, वो सिर्फ सिग्नल्स की फॉर्म में समझता है. तो इसलिए हमें अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर की जरूरत पड़ती है. तो अभी तक सिर्फ हमने ये फेस देखा है कि कंपाइल, लेकिन कंपाइलर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जब आप कहते हो कंपाइल माई प्रोग्राम, तो उसके अंदर बहुत सारे फेसेस होंगे. अगर हम इनिशियली बात करें तो सबसे पहले आप क्या करते हो, किसी भी आईडी में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में अपना प्रोग्राम लिखते हो. आईडी फॉर एग्जांपल जैसे विजुअल C++ हो गया या फिर डेव C++ या फिर लेट्स से विजुअल सी. तो इस तरह के हमारे पास में कई तरह कंपाइलर है जिनको आप कंपाइलर बोलते हो. एक्चुअल में आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. इंटीग्रेटेड क्यों? क्योंकि उनके अंदर सब कुछ है. उनके अंदर इन सब के अंदर कंपाइलर भी है, एडिटर भी है, असेंबलर भी है, लिंकर भी है, लोडर भी है. सब कुछ इन आईडी के अंदर है, इसलिए उनको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं. अगर हम सिंपल कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर एक छोटा सा पार्ट है पूरी फेस में. तो कंपाइलेशन, सबसे पहले हम कंपाइलेशन प्रोसेस देखते हैं, उसके बाद में कंपाइलर के फेसेस को देखेंगे. कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में हर एक इंटरव्यू में आप कहीं भी जाओगे, किसी भी पीएसयू का इंटरव्यू होगा या फिर लेट्स से आप डीएसएसबी का एग्जाम क्रैक करते हो तो उसमें भी एक इंटरव्यू होगा, या फिर किसी भी इंटरव्यू में आपसे पहला क्वेश्चन होता है कंपाइलेशन प्रोसेस बताओ क्या होगी. तो कंपाइलेशन प्रोसेस देखते हैं पहले क्या होगा.
लेट्स से आपने किसी भी आईडी का यूज करके एक प्रोग्राम लिखा, abc.c, उस प्रोग्राम का नाम आपने रखा। सबसे पहले क्या होगा, ये प्रोग्राम था आपका हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में, सबसे पहले ये प्रोग्राम जाएगा प्री प्रोसेसर के पास में। प्री प्रोसेसर इस प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करेगा और आपको मॉडिफाइड प्रोग्राम देगा, वो होगा abc.i की फॉर्म में। प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इसको हम हर एक फेज के बारे में डिस्कस करेंगे कंपाइलेशन प्रोसेस में। ये कंपाइलेशन प्रोसेस है ना कि कंपाइलर के फेसेस। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में पहला है आपका प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या करेगा, आपके प्रोग्राम में जहां जहां पे भी हैश होगा, प्री प्रोसेसर हैश डायरेक्टरीज को प्रोसेस करता है। तो जहां भी अपने आपके प्रोग्राम में जिस भी वर्ड के सामने हैश लगा हुआ होगा, तो सिर्फ प्री प्रोसेसर क्या करेगा, हैश के लिए सर्च करेगा पूरे प्रोग्राम को कि हैश कहां कहां लगा हुआ है। जहां जहां पे भी हैश लगा हुआ होगा, सिर्फ उन प्री प्रोसेसर को सिर्फ उनसे लेना देना है। प्री प्रोसेसर इज ओनली कंसर्न अबाउट द हैश डायरेक्टिव्स। तो हैश डायरेक्टिव्स को प्रोसेस करेगा, जैसे आपने लिखा हैश इंक्लूड study.io.h। तो ये हैश है, ये बता देगा कि प्री प्रोसेसर इसको प्री प्रोसेसर प्रोसेस करेगा। प्री प्रोसेसर क्या करेगा, क्योंकि study.io.h एक फाइल का नाम है जो कि एक हेडर फाइल है और आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, ये ब्रैकेट्स, ये लेस देन एंड ग्रेटर देन का जो साइन है, ये बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर है, यानी कि स्टैंडर्ड फोल्डर के अंदर एक फाइल है study.io.h, उसको इंक्लूड करना है। और हैश बता रहा है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है कि इसको प्री प्रोसेसर प्रोसेस करेगा। प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इस लाइन को हटाएगा और इसकी जगह पे इस study.io.h फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको पेस्ट कर देगा। सो सिर्फ प्री प्रोसेसर क्या करेगा, सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करेगा। आप लिखते हो हैश डिफाइन, इसको बोलते हैं मैक्रो, आपने लिखा पाई 3.14। सिंपली प्री प्रोसेसर क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम में जहां जहां पे भी पाई लिखा हुआ होगा उसको रिप्लेस कर देगा 3.14 से। यह प्री प्रोसेसर का नाम, यह आपके मैक्रो का नाम और यह मैक्रो की डेफिनेशन। तो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन प्री प्रोसेसर क्या करेगा, जहां जहां पे आपके प्रोग्राम में पाई आपने यूज किया हुआ है उन सबको रिप्लेस कर देगा 3.14 से। सो नॉर्मली प्री प्रोसेसर का सिंपल काम है कॉपी और पेस्ट करना। अभी तक कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, अभी भी आपका प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में है, अभी तक कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है। और abc.i यहां तक भी आप प्रोग्राम को ओपन करके देख सकते हो, अभी भी ये ASCII फॉर्म में ही है। ओके, इसके बाद में कंपाइलेशन स्टार्ट होगी। अब प्रोग्राम जाएगा कंपाइलर के पास में, क्योंकि अब आपका प्रोग्राम जो है वो रेडी है कंपाइलेशन के लिए। अब आपका प्रोग्राम कंप्लीट है, वहां से हैश इंक्लूड, आपके प्रोग्राम से हैश इंक्लूड study.io.h निकल चुका होगा, conio.h भी निकल चुका होगा, जहां जहां भी हैश लगा हुआ है वो सब हट चुके होंगे आपके प्रोग्राम से, और उनके जहां पे कुछ पेस्ट हो चुका होगा। वो पेस्ट क्या किया होगा प्री प्रोसेसर ने, पेस्ट किया होगा इस कंटेंट की फाइल, इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है। study.io.h एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर फंक्शन के प्रोटोटाइप है, जैसे आप यूज करते हो printf, तो printf का प्रोटोटाइप इस फंक्शन के अंदर है, इस हेडर फाइल के अंदर है। अगर आप इस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करोगे तो printf काम नहीं करेगा, आप देखोगे, क्योंकि आपके कंपाइलर को printf की डेफिनेशन प्रोटोटाइप कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी किसी फंक्शन को रन कराना है तो उसका प्रोटोटाइप, उसकी डेफिनेशन, उसका डिक्लेरेशन सब कुछ होना चाहिए, तभी वो रन करेगा। तो उस फंक्शन का डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप कहाँ पर है, study.io.h फाइल के अंदर। इसीलिए प्री प्रोसेसर क्या करेगा, क्योंकि अगर आप ये हैश इंक्लूड study.io.h ना लिखते, अगर आपके पास में ये फैसिलिटी अवेलेबल ना होती, तो आपको printf का पूरा कोड यहाँ पे लिखना होता। ओके, तो आपको पहले से बनी बनाई लाइब्रेरी मिली है, बस आपको उसको इंक्लूड करना है, जैसे कि आप करते हो जावा में इंपोर्ट करते हो पैकेजेस, सेम चीज़ है। कंपाइलर क्या करेगा, अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और आपको एक फाइल देगा abc.asm, जो हमने कहा था अभी कि आपका कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को एक लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। इस ASM का मतलब है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। ओके, तो अब आपका कंपाइलर ने आपके हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम में बना दिया है, लेकिन अभी भी ये मशीन पर एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम है। अब असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में एक प्रोग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, वो है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को एज ए इनपुट लेगा और आपको आउटपुट देगा एक ऑब्जेक्ट कोड, एक रिलोकेटेबल कोड जिसको आप रिलोकेट कर सकते हो कहीं पे भी मशीन। ओके, तो आपको एक abc.object कोड मिला, लेकिन अभी भी आपको exe फाइल नहीं मिली है। exe फाइल कौन देगा, ये प्रोग्राम जाएगा abc.object फाइल जाएगी लिंकर के पास, और लिंकर क्या करेगा, आपके प्रोग्राम के डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को लिंक कर देगा एक साथ। जैसे कि abc.object, ये एक मॉड्यूल है आपके प्रोग्राम का, आपने इस प्रोग्राम के अंदर एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज किया हुआ है printf, scanf और लेट्स से sign.o, तो जितने भी लाइब्रेरी फंक्शन है वो सब आपके पास में अवेलेबल है ऑब्जेक्ट फाइल की फॉर्म में। अब आपको लिंक करने हैं उन सबको, क्योंकि अगर आपको
प्रिंट एफ को रन कराना है, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो आपको इसका कोड भी पता होना चाहिए, लेकिन आपको इसका कोड नहीं मिला हुआ है। लाइब्रेरी के अंदर किसी भी लाइब्रेरी फंक्शन का कोड अवेलेबल नहीं है, सिर्फ उनकी ऑब्जेक्ट फाइल अवेलेबल है। तो आप क्या कर रहे हो, उन ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि लेट से आपका ये प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, प्रोग्राम कुछ ऐसे था। तो आपने दो लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ किए हैं, प्रिंट एफ एंड साइन ओ। अब ये प्रिंट एफ लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है ऑब्जेक्ट फाइल के फॉर्म में। अगर आपको इन फंक्शन को, जब प्रोग्राम यहाँ तक आएगा, तो यहाँ आने के बाद देखेगा प्रिंट एफ कहाँ है मेमोरी के अंदर, क्योंकि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो कंपाइलर इसकी डेफिनेशन सर्च करेगा कि इसकी डेफिनेशन कहाँ है। तो लिंकर क्या करेगा, इन सब की डेफिनेशन इस प्रोग्राम के साथ में लिंक कर देगा। ये काम है लिंकर का। अब लिंकर क्या करेगा, आपको एक फाइल देगा abc.exe फाइल। अब फाइनली आपके पास में मशीन कोड अवेलेबल है जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड। तो जब आप कहते हो कंपाइल, जब आप सॉफ्टवेयर के फॉर्म में कहते हो कंपाइल, तो आपको अब इन सब फेसेस से गो थ्रू होके जा रहे हो। जब आप किसी भी आईडी में कंपाइल करते हो, तो वो आईडी आपको ये सारे फेसेस कंप्लीट करके एक एक्सी फाइल दे देता है। लेकिन जब कंप्यूटर साइंस में कंपाइलर की बात करते हैं, तो सिर्फ हम इस वाले फेस की बात कर रहे हैं, इस कंपाइलर की बात कर रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस में कंपाइलर की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा नॉर्मली जब भी आप F9 LTF9 दबाते हो किसी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, तो आपको डायरेक्टली दो तीन फाइल मिलती है, abc.c फाइल जो आपने बनाई है, फिर आपको एक ऑब्जेक्ट फाइल मिलती है और एक exe फाइल मिलती है। ओके, तो वो आईडी इन सब फेसेस को कंप्लीट करने के बाद में आपको एक exe फाइल देगा। लेकिन आप जब कंपाइलर की बात करते हो कंप्यूटर साइंस में, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट को देखते हैं कंपाइलर में क्या है। तो इस कंपाइलर के अंदर सिक्स फेसेस हैं। इनिशियली आपने कोई प्रोग्राम लिखा, लेट से हाई लेवल लैंग्वेज में, abc.h abc.c, यह है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम एज ए इनपुट जाएगा पहले फेज को, और उस फेज का नाम है लेक्सिकल एनालाइजर। हम हर एक फेज के वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि हर एक फेज क्या करता है। लेक्सिकल एनालाइजर इस पूरे प्रोग्राम को स्कैन करेगा, ओके, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। याद रखना, इस पूरे प्रोग्राम को एज ए इनपुट लेगा लेक्सिकल एनालाइजर, और उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा, स्कैन करेगा, उसमें से वाइट स्पेस रिमूव करेगा, उसमें से कमेंट रिमूव करेगा। वो सब रिमूव करने के बाद में एक पूरे प्रोग्राम को एज ए स्ट्रिंग ले लेगा, और स्ट्रिंग से उस स्ट्रिंग को पार्ट्स में डिवाइड करेगा। उस स्ट्रिंग को पार्ट्स में डिवाइड करेगा मतलब क्या है, कि उस स्ट्रिंग से टोकन डिवाइड करेगा, आपके हर एक कैरेक्टर, आपके प्रोग्राम के हर एक कैरेक्टर को रीड करेगा, और बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंबाइन करके कुछ टोकन्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा, जैसे आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स और कैरेक्टर और कॉन्स्टेंट्स, इस तरह से कई तरह के टोकन्स बनाने की कोशिश करेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब वो टोकन्स जाएंगे एज ए इनपुट टू सिंटैक्स एनालाइजर, जो कि दूसरा फेज है। ओके, तो वो सारे के सारे जो आपने टोकन क्रिएट करे हैं, जो लेक्सिकल एनालाइजर ने टोकन्स क्रिएट करे हैं, वो टोकन क्रिएट करने के बाद में टोकन्स पास करेगा सिंटैक्स एनालाइजर को। सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, उन टोकन्स को उसके पास, सिंटैक्स एनालाइजर के पास में एक सीएफजी होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसमें उस जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, जैसे आपने abc.c यानी कि आपने सी लैंग्वेज यूज़ की है, तो सी लैंग्वेज के जो प्रोग्रामिंग रूल्स हैं, वो सब रूल्स प्रोडक्शंस के फॉर्म में, एक सीएफजी के फॉर्म में आपके सिंटैक्स एनालाइजर के पास में है। सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, उन टोकन से एक पार्स ट्री बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि ऐसे मान लो कि आपके पास में एक स्ट्रिंग है ऐसे, और एक ग्रामर है लेट से एस टेंस टू ए बी, एंड देन लाइक दिस ए टेंस टू ए एंड बी टेंस टू बी सी। तो इस तरह की ग्रामर है, ये जो ग्रामर है ये है यहाँ पर सिंटैक्स एनालाइजर के पास में सीएफजी, और ये जो स्ट्रिंग है ये आपके पास में यहाँ से आ रही है, ये लेक्सिकल एनालाइजर आपको स्ट्रिंग पास कर रहा है। तो लेक्सिकल एनालाइजर कह रहा है कि ये स्ट्रिंग है, इसको जरा ग्रामर से पार्स करके देखो कि क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं है। तो अगर नॉर्मली देखें तो लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो सिंटैक्स एनालाइजर को, सिंटैक्स एरर को पकड़ नहीं पाएगा, लेक्सिकल एनालाइजर सिर्फ लेक्सिकल एरर्स को पकड़ पाएगा, सिंटैक्स एनालाइजर को पकड़ेगा, सिंटैक्स एनालाइजर सिंटैक्स एरर को पकड़ पाएगा कैसे, इस सीएफजी के थ्रू। अगर वो स्ट्रिंग इस सीएफजी से हम पार्स कर सकते हैं, तो यानी कि आपकी आपका जो प्रोग्राम है वो सही है सिंटैक्टिकली। तो सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, इस प्रोग्राम इस स्ट्रिंग से पार्स ट्री बनाने की कोशिश करेगा और उसको पार्स करेगा, अगर एरर है तो एरर रिपोर्ट करेगा। अब वो पार्स ट्री जो सिंटैक्स एनालाइजर ने बनाई है वो एज ए इनपुट जाएगी अगले फेज को, और वो फेज है सिमेंटिक एनालाइजर। अब सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा, उस पूरी पार्स ट्री को वेरीफाई करेगा,
वेरीफाई करेगा, कंप्रेस करेगा, वो हम देखेंगे कैसे वेरीफाई कर रहा है और कैसे कंप्रेस कर रहा है। सिमेंटिक एनालिसिस टाइप चेकिंग भी करता है कि टाइप सही है, कहीं हम इनवैलिड टाइप के साथ में डील तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम इंटीजर में फ्लोट की वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी छोटे डेटा टाइप में बड़े डेटा टाइप को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब सिमेंटिक एनालाइजर दिखेगा। अब सिमेंटिक एनालाइजर उस पार्स ट्री को कंप्रेस करके टाइप चेकिंग करने के बाद में वो पार्स ट्री देगा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा जो ना तो लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, ना तो वो लो लेवल लैंग्वेज में है, ना ही वो हाई लेवल लैंग्वेज में है, बल्कि उनके इंटरमीडिएट कोड है। अब ये इंटरमीडिएट कोड एज ए इनपुट जाएगा कोड ऑप्टिमाइजर को, और कोड ऑप्टिमाइजर क्या करेगा उस कोड को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा, कौन से कोड को, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को नहीं बल्कि इंटरमीडिएट कोड के कोड को जो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर ने जनरेट किया है। ओके, मतलब क्या है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, उसके बाद में कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा, उस कोड में से नंबर ऑफ लाइंस डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। नंबर ऑफ लाइन डिक्रीज करने का मतलब है कि प्रोग्राम का स्पेस रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, उसका टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। कोड ऑप्टिमाइजेशन टाइम और स्पेस इन दोनों को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। अगर लूप है तो लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लगाएगा, तो ये सब टेक्निक्स यहाँ लूप कोड ऑप्टिमाइजेशन में लगेगी। अब ऑप्टिमाइज होने के बाद में फाइनली जो लास्ट फेस है वो अपना काम करेगा और वो कोड को जनरेट कर देगा जो फाइनली आपको कोड चाहिए था, कोड जनरेटर। और यहाँ से आपको जो आउटपुट मिलेगा वो होगा abc.asm जो हमें चाहिए था, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। ओके, हमेशा याद रखना जो कंप्यूटर साइंस में जब कंपाइलर की बात कर रहे हैं, जो कंपाइलर एक पार्ट है पूरी कंपाइलेशन प्रोसेस का, जब इस कंपाइलर की बात कर रहे हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं दे रहा है, ये हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज दे रहा है। ओके, तो यहाँ से आपको एक असेंबली लैंग्वेज की फाइल मिलेगी। साथ में दो मॉड्यूल और भी है हमारे पास में इस कंपाइलेशन में, वो है सिंबल टेबल, ये एक डेटाबेस है। ओके, ये एक टेबल है, डेटाबेस है, और एक मॉड्यूल और है, वो है एरर हैंडलर, जो हर एक फेस में एरर को हैंडल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एरर किसी भी फेस में आ सकता है, तो इसीलिए एरर हैंडलर जो है वो हर एक फेस के साथ में कनेक्टेड है। ओके, एरर हैंडलर हर एक फेस के साथ में कनेक्टेड है, लाइक दिस। सिंबल टेबल में क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले प्रोग्राम जाएगा लेक्सिकल एनालाइजर के पास में, और लेक्सिकल एनालाइजर इस पूरे प्रोग्राम्स में से जो भी इसको डेटा टाइप्स मिलेंगे, जो भी इसको वेरिएबल्स मिलेंगे, आइडेंटिफायर्स मिलेंगे, जो भी चीज़ ऐसी है जो कंपाइलर नहीं जानता, ओके, एनीथिंग विच कंपाइलर डज नॉट नो, लेक्सिकल एनालाइजर उन सब चीज़ों को सिंबल टेबल के अंदर डाल देगा। ओके, और हर एक फेस सिंबल टेबल से कनेक्टेड है, क्योंकि हर एक फेस या तो रीड करेगा सिंबल टेबल में या राइट करेगा, क्योंकि सिंबल टेबल क्या है, एक डेटाबेस है, डेटाबेस में से दो ही चीज़ें होती हैं, या तो रीड या राइट। लेक्सिकल एनालाइजर इसमें राइट करेगा, सबसे पहले जो प्रोग्राम जाएगा वो लेक्सिकल एनालाइजर के पास जाएगा, और लेक्सिकल एनालाइजर हर एक प्रोग्राम के अंदर जो भी आइडेंटिफायर आपने डिक्लेयर किया है, जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, जो भी चीज़ें कंपाइलर को नहीं पता है, जैसे आइडेंटिफायर्स हैं वो कंपाइलर को नहीं पता है, लेकिन कीवर्ड्स पता है कंपाइलर को कि कीवर्ड्स क्या है, तो जो भी चीज़ कंपाइलर को नहीं पता है लेक्सिकल एनालाइजर उन सब चीज़ों को उठा के सिंबल टेबल के अंदर डाल देगा, और सिंटैक्स एनालाइजर एंड सिमेंटिक एनालाइजर सिंबल टेबल को रीड करेंगे, तो कुछ फेसेस रीड करेंगे और कुछ फेसेस राइट करेंगे। अब ये आपके छः फेसेस हैं कंपाइलेशन के, ये छः फेसेस दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, जैसे पहले जो तीन फेस हैं उनको हम बोलते हैं फ्रंट एंड, कंपाइलर का फ्रंट एंड, और जो लास्ट के तीन फेसेस हैं इनको बोलते हैं बैक एंड। इसके ऊपर बहुत सारे MCQs हम सॉल्व करेंगे, याद रखना फ्रंट एंड जो भी होगा वो मशीन डिपेंडेंट होगा, फ्रंट एंड हमेशा मशीन डिपेंडेंट होगा। सॉरी, इट विल बी मशीन इंडिपेंडेंट, और जो बैक एंड होगा वो होगा मशीन डिपेंडेंट। मतलब यह है कि अगर आपने जो आपके लास्ट फेसेस हैं, लास्ट के तीन फेस जिस मशीन पे आपने चलाए हैं वो उसी के लिए कोड जनरेट करेगा। ओके, याद रखना लास्ट के तीन फेस बैक एंड बोलते हैं, और बैक एंड जो है वो मशीन डिपेंडेंट होता है, और पहले तीन फेस मशीन इंडिपेंडेंट होगा। तो लास्ट के तीन फेस आप जिस मशीन पे चलाओगे वो उसी मशीन के लिए कोड जनरेट करेगा। ओके, क्योंकि वो मशीन का आर्किटेक्चर कंसिडर करता है, जब आप ये कोड जनरेट करोगे तो आप मशीन का आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग करोगे, कि मशीन का आर्किटेक्चर क्या है, उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या अवेलेबल हैं, उसके अंदर एड्रेसिंग मोड्स क्या क्या अवेलेबल हैं, उसके अंदर सेट ऑफ उसका इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, ये सब चीज़ें वो कंसिडर करेगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि वो मशीन डिपेंडेंट है। तो ये फ्रंट एंड है और ये बैक एंड है कंपाइलर का, और ये छः फेसिस हैं।
तो अभी तक हम फेसेस देख चुके हैं, अब देखते हैं ये काम कैसे करते हैं, हर एक फेस काम कैसे करता है। तो एक छोटे से प्रोग्राम के साथ देखते हैं कि कंपाइलर काम कैसे करता है। पहला फेस है लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या है? तो हमारे पास में लेट्स से एक छोटा सा प्रोग्राम है, मेन इक्वल्स टू बी इंटू सी। तो सबसे पहले प्रोग्राम जाएगा आपका लेक्सिकल एनालाइजर के पास में, और लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, इस पूरे प्रोग्राम को टोकन्स में डिवाइड कर देगा। पूरा लेक्सिकल एनालाइजर पूरे प्रोग्राम में से सबसे पहले कमेंट्स रिमूव करेगा, फिर ब्लैंक स्पेस रिमूव करेगा, उसके बाद में पूरे प्रोग्राम को एक पूरी स्ट्रिंग मान के उसको टोकन्स में डिवाइड करेगा। जैसे उसने पहले ये रीड किया, ये टोकन नहीं होगा क्योंकि इसमें से हर एक चीज़ को टोकन, ऐसे टोकन क्रिएट करने की कोशिश करें। लेट्स से इसने इसको उठाया पहले, इसने कहा कि ओपन ब्रेसिस, इसने इसको एक नाम दे दिया कि ये टोकन है। ओपन ब्रेसिस और ब्रेसिस जो है वो टोकन है, और ये जो वर्ड है, ये जो पार्ट है पूरे आपके प्रोग्राम का, इसको बोलते हैं लैक्समी। ओके, तो जैसे ए है, ए क्या है, एक आइडेंटिफायर है। लेक्सिकल एनालाइजर ने हर एक चीज़ को कुछ नाम दे दिया है, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या है, एक टोकन है, और ए क्या है, एक लैक्समी है। जो भी एक्चुअल में प्रोग्राम का पार्ट है उसको बोलते हैं लैक्समी, और आइडेंटिफायर क्या है, एक क्लास है। ऐसे मान सकते हो आइडेंटिफायर एक क्लास है और एक उसका ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको बोल सकते हैं लैक्समी, और आइडेंटिफायर एक क्लास है, क्योंकि आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ए ही आइडेंटिफायर हो, बी सी भी हो सकते हैं। तो आइडेंटिफायर एक कॉमन नाम है, कॉमन नेम है बहुत सारी चीज़ों को। तो जैसे बी है, बी क्या है, आइडेंटिफायर। उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन और इक्वल, मल्टीप्लीकेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर लाइक दिस। इक्वल क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस तरह से इसने हर एक प्रोग्राम के हर एक पार्ट को एक नाम दे दिया है, उसको बोलते हैं टोकन। उसके बाद में क्लोज ब्रेस। तो आपका लेक्सिकल एनालाइजर पूरे प्रोग्राम को वर्ड बाय वर्ड रीड करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और उसे टोकन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। उसके पास में DFA होगा उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए। आप और मैं देख के बता सकते हैं कि हाँ ये टोकन है, लेकिन कंप्यूटर कैसे बताएगा? कंप्यूटर हर एक चीज़ प्रोग्राम के थ्रू बताएगा। लेक्सिकल एनालाइजर भी एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को भी हम क्रिएट करते हैं, इस प्रोग्राम को भी हमने लिखा होगा किसी चीज़ से, उसके बारे में हम देखेंगे लेक्सिकल एनालाइजर को हम लिखते कैसे हैं। तो कंपाइलर भी किसी, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी किसी लैंग्वेज में लिखी गई है, और जो लैंग्वेज है वो भी किसी लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ये सवाल है कि पहले कंपाइलर पहले क्रिएट हुए या फिर पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट हुई। ओके, तो लाइक दिस पूरा प्रोग्राम आपका टोकन्स में डिवाइड होगा। टोकन्स में डिवाइड होने के बाद में ये प्रोग्राम जाएगा सिंटैक्स एनालाइजर के पास में। अब सिंटैक्स एनालाइजर का काम क्या है, हम पहले हर एक फेस का छोटा सा काम देख रहे हैं कि काम क्या है उसका। सिंटैक्स एनालाइजर सिंटैक्स एरर्स के बारे में चेक करेगा। सिंटैक्स एरर कैसे देखेगा वो, सिंटैक्स एरर देखेगा वो रूल्स के अकॉर्डिंग। सिंटैक्स एनालाइजर में हमारे पास में एक CFG है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जो कि प्रोडक्शन फ्री फॉर्म में है। अगर आपका प्रोग्राम सही नहीं है तो आप उस जो लेक्सिकल एनालाइजर ने आपको स्ट्रिंग पास की है वो स्ट्रिंग सिंटैक्स एनालाइजर अपनी ग्रामर के थ्रू जनरेट नहीं कर पाएगा। ओके, ग्रामर में क्या है, प्रोडक्शंस हैं, और प्रोडक्शंस हम क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग्स। तो अगर आप उस जो सिंटैक्स एनालाइजर के पास में जो ग्रामर है, अगर आप उससे वो स्ट्रिंग जनरेट कर पा रहे हो तो सही है प्रोग्राम, नहीं तो नहीं है। जैसे इसके अंदर ये था, अब ये किस तरह का एरर है, ये सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर है क्योंकि बी प्लस सी इक्वल टू ए नहीं, ये ए इक्वल टू बी प्लस सी होना चाहिए था। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड में कोई एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है, राइट हैंड में हो सकता है, इसलिए क्या है, सिंटैक्स एरर है। तो इस तरह के जो एरर्स होंगे वो सिंटैक्स एनालाइजर कैच करेगा। उसके बाद में थर्ड फेस है आपका सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर जैसे मैंने अभी बताया, इसका मेन काम है टाइप चेकिंग करना। ओके, टाइप चेकिंग कैसे, लेट्स आपके पास में प्रोग्राम था इंट ए फ्लोट बी सी, और आपने कहा ए इक्वल्स टू बी प्लस सी। ये क्या है, सब कुछ सिंटैक्स तो सही है प्रोग्राम में, कोई ना तो लेक्सिकल एरर है ना सिंटैक्स एरर है, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन एक सिमेंटिक एरर है। सिमेंटिक एरर क्या है, जो फ्लोट है वो 4 बाइट लेगा। ओके, और जो इंटीजर है वो 2 बाइट्स लेता है, हमें पता है। आप क्या कर रहे हो, आप 4 बाइट का डेटा 2 बाइट के वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ये 4 बाइट है और ये इंटीजर है ए,
ए कितना है 2 बाइट्स का, इसको ए को 2 बाइट का स्पेस मिला हुआ है क्योंकि ये इंटीजर है, और फ्लोट बी सी को, बी सी को 4 बाइट का स्पेस मिला हुआ है। तो आप 4 बाइट का डेटा 2 बाइट के वेरिएबल में नहीं डाल सकते हो। ये ना तो सिंटेक्स एरर है ना ही लेक्सिकल एरर है, लेकिन ये सिमेंटिक एरर है, तो इसलिए कह रहे हैं कि टाइप चेकिंग करेगा। तो इस तरह के जो एरर होगा वो सिमेंटिक एनालाइजर कैच करेगा। उसके बाद में थर्ड फोर्थ फेज है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का मेन काम यह है कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में हम कई तरह की टेक्निक यूज करते हैं, जैसे स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट और 3 एड्रेस कोड। इस तरह के हम कई सारे टेक्निक यूज करते हैं इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करने के लिए। ये जनरेट कैसे करेगा, लेट्स से आपके प्रोग्राम में एक एक्सप्रेशन था एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू सी, इसके लिए मुझे 3 एड्रेस कोड जनरेट करना है इंटरमीडिएट कोड। इसको मैं कैसे जनरेट करूंगा, T1 इक्वल्स टू टेम्पररी वेरिएबल है बी इंटू सी, ओके। फिर मैंने कहा T2 इक्वल्स टू ए प्लस T1, तो ये एक्सप्रेशन था मैंने पार्ट्स में किया, जैसे बी इंटू सी को पहले किया T1 के अंदर डाल दिया, फिर T1 को ऐड कर दिया A के साथ में, ये T1 हो गया है ये A हो गया है, तो A प्लस T1। उसके बाद में फाइनल जो रिजल्ट स्टोर होना है वो X इक्वल्स टू T2 में होना है, ओके। फाइनल रिजल्ट X में स्टोर होना है जैसे वेरिएबल था। तो अब इस सिंगल हाई लेवल लैंग्वेज के एक्सप्रेशन के लिए ये तीन लाइन का इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ है। इसी तरह से अब ये कोड जाएगा कोड ऑप्टिमाइजेशन के पास में, जो कि फिफ्थ फेज है। कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा, इस इंटरमीडिएट कोड को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा, इसमें नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा जिससे कि स्पेस रिड्यूस हो जाए। अगर नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस हो गई तो एग्जीक्यूशन टाइम पे भी नंबर ऑफ जो आपका असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम क्रिएट होगा वो भी नंबर ऑफ लाइंस में कम होगी, तो उस तरह से प्रोग्राम कॉम्पैक्ट हो जाएगा। प्रोग्राम कॉम्पैक्ट होगा तो एग्जीक्यूशन टाइम भी कम होगा, तो स्पेस एंड टाइम को कम करने की कोशिश करता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। उससे क्या होगा, कोड ऑप्टिमाइज हो गया तो आपका वो फास्ट रन करेगा। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन काम है कोड ऑप्टिमाइजेशन करना, ओके, जैसे नाम बता रहा है। लेकिन ये कोड कौन से कोड को ऑप्टिमाइज करता है, इस इंटरमीडिएट कोड को, ना कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को। फाइनली आपका फेज है, जो लास्ट फेज है वो है कोड जनरेशन, ओके, टारगेट कोड जनरेशन जिसे बोलते हैं। अब ये टारगेट कोड जनरेशन क्या करेगा, जैसे निमोनिक्स की फॉर्म में कोड जनरेट करेगा। असेंबली लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो होते हैं निमोनिक्स की फॉर्म में, जैसे मूव है, ये क्या है, निमोनिक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपने मूव किया लेट से बी को R1 में, उसके बाद में मूव किया सी को R2 में, देन मल्टीप्लाई किया आपने R1 R2, उसके बाद में मूव किया ए को R3 में, एंड देन आपने एडिशन किया किस किस का, जो मल्टीप्लिकेशन था बी और सी का वो अभी R2 के अंदर है, तो आपने ऐड किया R2 R3 को, और फाइनली स्टोर करोगे जो रिजल्ट आया है वो R3 में है और मुझे स्टोर करना है वो रिजल्ट X में, ओके। तो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो X में जाएगा। तो इस तरह से आपका टारगेट कोड जनरेट हो गया असेंबली लैंग्वेज का जो कोड था। ये था आपकी वर्किंग कंपाइलेशन, कंपाइलर की वर्किंग क्या है। इसको अगर हम इंटरनली देखें कि इंटरनली कंपाइलर काम कैसे करेगा, हाउ कंपाइलर वर्क्स, और इंटरनल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको देखते हैं कि कंपाइलर काम कैसे करेगा। तो लेट्स आपके पास में प्रोग्राम था मेन x इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू 60, ये एक प्रोग्राम है मेरे पास में, और जो ये x a b है ये फ्लोट वेरिएबल्स हैं, ये सब फ्लोट वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम जाएगा किसके पास, लेक्सिकल एनालाइजर के पास में, लेक्सिकल एनालाइजर के पास। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, इस प्रोग्राम को टोकन्स में डिवाइड करेगा और साथ में सिंबल टेबल को भी मैनेज करेगा। सिंबल टेबल में इन सब की एंट्री करेगा, जो भी इसको आइडेंटिफायर मिलता रहेगा उसको सिंबल टेबल के अंदर उसकी एंट्री करता रहेगा। सिंबल टेबल के अंदर एंट्रीज होगी सीरियल नंबर, तीन एट्रीब्यूट होंगे, सीरियल नंबर, वेरिएबल का नाम एंड वेरिएबल का टाइप। जैसे पहला वेरिएबल है आपका एक्स और वह है फ्लोट, ओके, वेरिएबल का नाम है एक्स और फ्लोट उसका टाइप है। जैसे फिर ए है और उसका टाइप है फ्लोट, थर्ड आइडेंटिफायर है बी और उसका टाइप है फ्लोट। तो इन सब की एंट्री कर देगा वो सिंबल टेबल के अंदर, यह है आपकी सिंबल टेबल। अब यहाँ से इन सबको इस पूरे प्रोग्राम को टोकन्स में डिवाइड करेगा। टोकन्स में डिवाइड करने के बाद में ये बताएगा कि कौन सा आइडेंटिफायर कहाँ पर है। जैसे इसने कहा एक्स, तो एक्स को ये बोल देगा कि आइडेंटिफायर 1, ये क्या है 1, यहाँ पे लोकेशन है सिंबल टेबल के अंदर, और ये बता रहा है कि किस तरह इसकी टोकन की क्लास क्या है, टोकन की क्लास है आइडेंटिफायर,
जैसे टोकन की क्लास हमारे पास में बहुत अलग अलग तरह के टोकन की क्लासेस हैं, जैसे आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिफायर वन इक्वल्स टू, ये पूरी स्ट्रिंग को उसने इस पूरे प्रोग्राम को एक टोकन की स्ट्रिंग में डिवाइड कर दिया है, इक्वल्स टू आई डी टू। आई डी टू क्या है, टू लोकेशन टू पे एक आइडेंटिफायर है ए और वो एक आइडेंटिफायर है, प्लस आइडेंटिफायर थर्ड लोकेशन पे और इनटू एक कांस्टेंट जो कि 60 है, ठीक है। ये स्ट्रिंग जनरेट हुई है, ये लेक्सिकल एनालाइजर ने टोकन्स में डिवाइड किया है प्रोग्राम को। ये टोकन्स पास किए किसको, इसने ये टोकन्स पास किए सिंटैक्स एनालाइजर को, सिंटैक्स एनालाइजर। अब सिंटैक्स एनालाइजर के पास में क्या है, एक सीएफजी है। सीएफजी किस तरह की फॉर्म में है, यह है सीएफजी प्रोडक्शंस की फॉर्म में, ई टेंस टू आई डी इक्वल्स टू एफ। ओके, ये प्रोडक्शन रूल्स हैं, ओके, इनको यहां पे लिख सकते हैं ई टेंस टू आई डी इक्वल्स टू एफ। फिर दूसरा प्रोडक्शन है एफ टेंस टू, अब इन प्रोडक्शन से वो स्ट्रिंग जनरेट करने की कोशिश करेगा, एफ प्लस टी स्लैश टी। उसके बाद में टी टेंस टू टी इंटू जी और जी, इसका मतलब है और, एंड जी टेंस टू आई डी, ये प्रोडक्शन है। अब सिंटैक्स एनालाइजर के पास में ये स्ट्रिंग आई है और इसको ये देखना है कि क्या ये स्ट्रिंग सही है या नहीं है। ये एक्चुअल में प्रोग्राम ही है जो लेक्सिकल एनालाइजर ने आपको दिया है, जो लेक्सिकल एनालाइजर ने इसको टोकन्स में डिवाइड करने के बाद में सिंटैक्स एनालाइजर को पास किया है। तो ये भी एक स्ट्रिंग है और ये एक प्रोडक्शन है। अब अब क्या करेगा सिंटैक्स एनालाइजर, इस स्ट्रिंग को इसके थ्रू पार्स करने की कोशिश करेगा। पार्स कैसे करेगा, सिंटैक्स आपकी पार्स ट्री के थ्रू। तो कैसे कर सकते हैं, ई टेंस टू पहला प्रोडक्शन में लूंगा आई डी इक्वल्स टू एफ, क्योंकि मुझे क्या जनरेट करना है, मुझे जनरेट करना है आई डी इक्वल्स टू आई डी प्लस आई डी इंटू 60। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, आई डी इक्वल्स टू आई डी प्लस आई डी इंटू 60। तो आपको ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है। ये स्ट्रिंग कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो आई डी इक्वल्स टू मैं पहले ही जनरेट कर चुका हूँ, इतना पार्ट में जनरेट कर चुका हूँ इस प्रोडक्शन के थ्रू। अब मुझे करना है आई डी प्लस आई डी इंटू 60, तो एफ से मैं कौन सा प्रोडक्शन लूंगा, एफ प्लस टी। ओके, ये प्रोडक्शन लिया, फिर एफ टेंस टू टी, क्योंकि मुझे आई डी तक पहुंचना है। अब एफ टेंस टू टी पहुंच गया हूँ, टी टेंस टू मैं जी पहुंच जाऊंगा, जी टेंस टू आई डी, एफ टेंस टू टी, टी टेंस टू जी एंड जी टेंस टू आई डी। तो आई डी इक्वल्स टू आई डी अभी तक जनरेट हो चुका है यहाँ तक। अब मुझे प्लस जनरेट करना है, प्लस भी जनरेट हो चुका है, मुझे आई डी इंटू 60 जनरेट करना है। तो आई डी इंटू 60 कैसे कर सकता हूँ, यहाँ से टी इंटू जी, ओके, देन टी टेंस टू जी एंड जी टेंस टू आई डी एंड जी टेंस टू आई जी टेंस टू कॉन्स्टेंट 60। इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आई डी है तो वो कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। तो मेरी स्ट्रिंग जनरेट हो गई है आई डी इक्वल्स टू, उसके बाद में आई डी प्लस आई डी इंटू 60, तो स्ट्रिंग जनरेट हो गई है। अब सिंटैक्स एनालाइजर कहेगा कि ठीक है, आपका आपकी स्ट्रिंग सही है, प्रोग्राम सही है, कोई एरर नहीं है। अब ये जो पार्स ट्री है ये एज ए इनपुट जाएगी किसके पास में, क्योंकि सिंटैक्स एनालाइजर के पास में जो अगला फेस है वो है सिमेंटिक एनालाइजर। तो ये जो पार्स ट्री थी ये एज ए इनपुट जाएगी सिमेंटिक एनालाइजर के पास में, अगला फेस है सिमेंटिक एनालाइजर। तो ये टाइप चेकिंग करेगा और साथ में क्या करेगा, पार्स ट्री को कंप्रेस भी करेगा। पार्स ट्री को कंप्रेस करना, टाइप चेकिंग करना, ये सब काम किसका है, सिमेंटिक एनालाइजर को। उस पार्स ट्री को कंप्रेस कैसे करेगा, जैसे अभी वो पार्स ट्री बहुत बड़ी थी तो उसने सिंपली कहा ई टेंस टू, क्योंकि ई से आप आई डी वन तक पहुंच गए, इक्वल्स टू फिर था एफ, और एफ से आप, अगर आप देखो एफ से आप कहाँ पहुंच रहे थे, एफ से आप आई डी टू तक पहुंच रहे हो, जैसे ये है एफ से आई डी टू तक पहुंच रहे हो। तो इसने इन सबको कंप्रेस कर दिया है, एफ से आप पहुंच गए हो आई डी टू तक, एंड देन प्लस टी, अब टी से आप पहुंच गए हो कहाँ पर, आई डी थ्री तक। ओके, इंटू 60। अब ये जो 60 है, ये 60 क्या है, ये इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है ना, लेकिन बाकी सब जो वेरिएबल्स हैं, हमने देखा एक्स ए बी वो सब क्या थे, फ्लोट थे, हमने अभी देखा था एक्स ए बी सब क्या है, फ्लोट है। तो आपको इसको 60 को भी, ये सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा, ये काम सिमेंटिक एनालाइजर का है, इसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सिमेंटिक एनालाइजर की है कि इसको टाइप कन्वर्ट करना, यानी कि अब ये क्या करेगा, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, इंट टू फ्लोट 60।
और आपको फाइनली मिल जाएगा 60.0। तो आप क्योंकि आप फ्लोटिंग के सारे सारे अरिथमेटिक जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो फ्लोटिंग पे हो रहे हैं, तो ये भी नंबर आपका फ्लोट में होना चाहिए, तो ये काम भी सिमेंटिक एनालाइजर करेगा। अब ये फाइनली जो कंप्रेस्ड सिमेंटिक ट्री है ये जाएगी इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के पास में। ओके, अगला फेज क्या है? इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। अब इंटरमीडिएट कोड जनरेटर कोई भी टेक्निक यूज करके, जैसे कि थ्री एड्रेस कोड, उस पार्स ट्री से जो अभी सिमेंटिक ट्री आई है आपके पास में, सिमेंटिक एनालाइजर ने जो आपको दी है, उससे इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा। जैसे T1 इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने कहा कि जो हमारा 60 था उसको इनटू फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इनटू फ्लोट 60। अब इसका ये रिलेशन क्या है सिमेंटिक ट्री का और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का? जैसे मैंने पहले क्या इवेल्युएट किया है, मैंने कहा T1 इक्वल्स टू इनटू फ्लोट, तो सबसे लास्ट में कौन है? इनटू फ्लोट। सो सबसे पहले ये इवेल्युएट होगा, उसके बाद में ये इवेल्युएट होगा, उसके बाद में ये इवेल्युएट होगा, फिर ये इवेल्युएट होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी जो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर है वो काम करेगा, क्योंकि सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट लेवल पे ये है, तो सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस है सबसे लास्ट लेवल पे होगी। ओके, तो अगर मैं कहूँगी जो मल्टीप्लीकेशन है उसकी हायर प्रेसिडेंस है देन प्लस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हायर लेवल पे है, नीचे की तरफ है। ओके, इसी तरह प्लस की हायर, प्लस इज हायर प्रेसिडेंट देन इक्वल, तो लाइक दिस ये इंटरमीडिएट कोड जनरेटर काम करेगा। फिर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि अगले लेवल पर क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। फिर आपको प्लस करना है, ए प्लस टी टू। तो इन टेम्पररी वेरिएबल्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? इंटरमीडिएट कोड को जनरेट कर रहे हैं फाइनली ये। तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया है? एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू 60, लाइक दिस, ए प्लस बी इंटू 60। टी वन के अंदर क्या था? 60, दिस इज टी वन। तो ये थ्री एड्रेस कोड जनरेट हो गया है, इंटरमीडिएट कोड है अभी, लेकिन अभी भी ये मशीन, अभी भी ये असेंबली कोड नहीं है। अब ये कोड जाएगा कोड ऑप्टिमाइजर के पास में। कोड ऑप्टिमाइजर क्या करेगा? इसको देखने की कोशिश करेगा कि क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, क्या मैं इसमें नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कम कर सकता हूँ। अब कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा? इन नंबर ऑफ लाइंस को कम करने की कोशिश करेगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे इस लाइन की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या कह सकता हूँ कि एक्स इक्वल्स टू ए प्लस टी टू। सिंपली मैं एक्स इक्वल्स टू ये कर सकता हूँ, फाइनली मेरे पास में एक पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो जो इंटरमीडिएट कोड था इसको ऑप्टिमाइज करने के बाद में ये ऐसे हो जाएगा, टी वन इक्वल्स टू इंट टू फ्लॉट 60, उसके बाद में टी टू इक्वल्स टू बी इंटू टी वन। सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस लास्ट की जो दो लाइन्स है वो एक साथ मर्ज हो जाएगी, x इक्वल्स टू ए प्लस टी टू। तो यहाँ पे चार लाइन्स थी और आपके पास में तीन लाइन्स हो गई है, तो कोड ऑप्टिमाइज हो गया। अब ये कोड ऑप्टिमाइज होने के बाद में फाइनली जाएगा जो लास्ट स्टेज है उसके पास। लास्ट स्टेज क्या है? टारगेट कोड जनरेशन। टारगेट कोड जनरेशन में क्या होगा? फाइनली जो आपका टारगेट कोड होता है वो क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज का कोड, यानी कि असेंबली लैंग्वेज का कोड, ये कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। तो सबसे पहले होगा मूव आर वन, आपने 60 वैल्यू जो थी वो आर वन के अंदर ट्रांसफर करी, फिर मूव आर टू में बी को ट्रांसफर किया। सब कुछ क्योंकि रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन है, ओके, मशीन लेवल पे सब कुछ रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन है, इसलिए आपको सारे के सारे वेरिएबल्स मेमोरी से उठा के रजिस्टर में लेके आने पड़ेंगे। उसके बाद में मूव आर थ्री ए, ओके, अब ए बी जो है आपका रजिस्टर्स में आ चुके हैं, आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिंपली मल्टीप्लाई किसी से करनी है? बी एंड आर वन की, क्योंकि क्या था? ए प्लस बी इंटू 60 था, 60 आर वन में है और बी आर टू में है और आर थ्री में ए है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है आर वन एंड आर टू को, बी इंटू 60 करना है, बी आर टू में है और 60 आर वन में, तो मल्टीप्लाई आर वन आर टू। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड करना है किसमें? ए में। तो अगला जो इंस्ट्रक्शन होगा वो होगा ऐड, जो इनके मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट है आर वन आर टू का, वो अवेलेबल है कहाँ पे? आर टू के अंदर। तो ऐड आर थ्री आर टू, फाइनली जो रिजल्ट है वो आर थ्री के अंदर है, उसको मूव करना है कहाँ पर? एक्स के अंदर। ओके, तो ये फाइनली जो आपका लो लेवल लैंग्वेज कोड है वो जनरेट हो गया है हाई लेवल लैंग्वेज कोड से। तो ये पूरी प्रोसेस थी कंपाइलर कैसे काम कर रहा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ MCQs, ओके, जो आपकी जो एक्चुअल एग्जाम में आने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर इज व्हाट। तो जैसे अभी हमने देखा पहला फेज है लेक्सिकल एनालाइजर, और पहला फेज क्या करता है? प्रोग्राम को टोकन्स में डिवाइड करता है। तो आउटपुट जो होगा लेक्सिकल एनालाइजर का वो होगा सेट ऑफ टोकन्स। क्वेश्चन नंबर टू, द सिंबल टेबल इंप्लीमेंटेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस।
ओके हम किस हम कौन सा हम सिंपल टेबल कई तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिर लाइनरली सर्च ट्री हैश टेबल एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इस आप सिंपल टेबल क्रिएट करोगे, उसमें राइट भी करोगे और रीड भी करोगे। तो जब जिस टाइम आप उसे रीड कर रहे होगे तो आप उसमें सर्च कर रहे होगे। तो कौन सा बेस्ट मेथड है सर्च करने का, तो जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे बेस्ड है, दैट इज हैश टेबल। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज ए व्हाट। जैसे हमने अभी देखा कंपाइलेशन प्रोसेस में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कौन देता है आउटपुट, असेंबलर का आउटपुट मिलता है आपको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो व्हाट इज इट, प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज, प्रोग्राम टू बी ट्रांसलेटेड इन टू मशीन लैंग्वेज, या फिर ट्रांसलेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज। ओके तो जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है वो ट्रांसलेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम का इन टू मशीन लैंग्वेज। लास्ट में आपने देखा था कि थर्ड फेज में जो प्रोग्राम था आपका abc.c, वो abc.o बन चुका था, abc.ऑब्जेक्ट कोड, जिसको रिलोकेटेबल कोड भी बोलते हैं या फिर मशीन लैंग्वेज कोड भी बोलते हैं। ओके रिलोकेटेबल कोड या मशीन लैंग्वेज कोड या फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ये सब सेम चीज़ें हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया ही है। ये जो थर्ड बी है बता रहा है प्रोग्राम टू बी ट्रांसलेटेड इन टू मशीन लैंग्वेज, ये बात कर रहा है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की। क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा इज यूज्ड, FSA मीन्स फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा इज यूज्ड इन द कंपाइलर। ओके सबसे पहला फेस है लेक्सिकन एनालाइजर, और इसमें हम यूज करते हैं DFA, DFA टोकन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। आप कैसे पता लगाते हो कि कौन सा टोकन क्या है, अगर कहीं लिखा हुआ है मेन, तो जैसे मैंने कहा कि प्रोग्राम को वर्ड बाय वर्ड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने का मतलब क्या है कि लेक्सिकन एनालाइजर के पास में एक DFA होगा लाइक दिस। ओके बहुत बड़े बड़े DFAs होंगे, छोटे छोटे DFAs नहीं होंगे, और वो उन DFAs पे क्या करेगा, जो जो भी कैरेक्टर वो रीड कर रहा है प्रोग्राम के अंदर, उसको इस पे DFA पे रन कराने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे M रीड किया तो यहाँ पहुँच गए, A रीड किया तो यहाँ पहुँच गए, I रीड किया तो यहाँ पहुँच गए, N रीड किया तो यहाँ पे पहुँच गए, फिर ओपन ब्रेस एंड फाइनली क्लोज ब्रेस। तो यहाँ फाइनल स्टेज पर आप पहुँच गए हो, ये इनिशियल स्टेज थी और ये फाइनल स्टेज। तो अगर आप किसी भी पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के बाद में एक फाइनल स्टेज तक पहुँच पा रहे हो, दैट मीन्स वो एक टोकन है। ओके तो इस तरह से वो DFA पे रन करा के देखता है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें टोकन्स हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है अगर लेट्स से इंट, तो उसको रन कराएगा, उसको पता लगाएगा कि क्या है वो। अगर लिखा हुआ है इक्वल इक्वल, तो वो DFA पे रन कराएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इक्वल इक्वल उसको ऑपरेटर रिकोगनाइज करना है, उसको देखना है कि ऑपरेटर किस तरह का है, तो वो एक उसके पास में एक DFA होगा, और उस DFA से कई तरह की स्टेजेस जारी होंगी। इस तरह से वो DFA भी हो सकता है और NFA भी हो सकता है। ओके लाइक दिस। तो अगर यहाँ पे पहले इक्वल रीड किया तो डबल इक्वल भी हो सकता है, या फिर वहां से इक्वल प्लस भी हो सकता है, या फिर इक्वल या फिर स्टार्टिंग में इक्वल होने के बाद में इक्वल माइनस भी हो सकता है। तो इस तरह से कई तरह के ऑपरेटर बन सकते हैं। तो जिस भी स्टेज जो भी जैसे यहाँ से आप फाइनल स्टेज भी पहुंच गए, तो जिस भी जहाँ से भी आप फाइनल स्टेज भी पहुंच जाओगे तो वही आपका टोकन बन जाएगा। जैसे इक्वल था उसके बाद में इक्वल आया तो इस स्टेज पर पहुंच गए और फाइनल पे पहुंच गए हो, तो वो बताएगा कि ये कुछ और नहीं है कंपेरिजन ऑपरेटर है। अगर सिंगल इक्वल हुआ तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल प्लस हुआ तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये सब चीज़ें पता लगाएगा वो DFAs के थ्रू। तो इसीलिए लेक्सिकल एनालाइजर में हम DFA यूज़ करते हैं, और रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। पार्सर में हम CFG यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। विच कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर इज यूज इन द कंपाइलर। तो कंपाइलर में ये क्वेश्चन एम्बिगुअस है, एक्चुअली लेक्सिकल एनालाइजर भी यूज़ करते हैं और पार्सर में भी यूज़ करते हैं। तो ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों में यूज़ होता है। यहाँ पर रेगुलर ग्रामर यूज़ हो रही है और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज हो रही है। तो अगर स्पेसिफिकली ग्रामर की बात कर रहे हैं तो हम पार्सर कह सकते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो पार्सर है, क्योंकि पार्सर में हम CFGs की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन की एंड DFAs की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली जब रेगुलर एक्सप्रेशन एंड DFA की बात कर रहे हैं तो ग्रामर की बात भी कर ही रहे हैं, रेगुलर ग्रामर की। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लेक्समीज। तो हमने लेक्समी की बात की थी। तो लेक्समी क्या था, जो भी आपके प्रोग्राम का कोई वर्ड है उसको हम लेक्स भी बोलते हैं। जैसे कि आपके प्रोग्राम में था लेट से मेन, तो मेन क्या है एक्चुअल में, अगर सर टोकन देखे तो टोकन की जो क्लास है, इसके टोकन की क्लास है आइडेंटिफायर, क्योंकि एक नाम है, नाम किसका, फंक्शन का नाम। तो जितने भी नाम होंगे उनको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, जितने भी नाम होंगे, चाहे वो फंक्शन का नाम हो चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, सब क्या है आइडेंटिफायर्स हैं। तो मेन क्या है एक्चुअल में, जो मेन है वो लेक्समी है, जो मेन वर्ड है, जो एक्चुअली प्रोग्राम का पार्ट है, और इसकी जो क्लास है आइडेंटिफायर, ये टोकन है, टोकन का नाम है आइडेंटिफायर, और लेक्समी है मेन। तो आइडेंटिफायर्स से आप क्या बनाते हैं,
जो आइडेंटिफायर्स होंगे वो लैक्समीज हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट लैक्समी नहीं हो सकते, कीवर्ड्स नहीं हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टेज ऑफ द कंपाइलेशन प्रोसेस. तो कंपाइलेशन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, लेक्सिक एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट कोड जनरेटर एंड फाइनली कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन. 8, द लेक्सिकल एनालाइजर टेक्स व्हाट एज ए इनपुट एंड प्रोड्यूसेस एज ए स्ट्रीम ऑफ व्हाट एज ए आउटपुट. तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या इनपुट लेगा, लेट्स से दिस इज योर लेक्सिकल एनालाइजर. हमने देखा था पहला फेज था लेक्सिकल एनालाइजर जो एज ए इनपुट ले रहा है कि सोर्स प्रोग्राम या फिर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, और आउटपुट दे रहा है आपको टोकन्स. ठीक है, यह है लेक्सिकल एनालाइजर का काम, यानी कि सोर्स प्रोग्राम एज ए इनपुट ले रहा है एंड टोकन्स एज ए आउटपुट दे रहा है. पार्सिंग इज ऑल्सो नोन एज सिंटैक्स एनालिसिस. सिंटैक्स एनालाइजर को भी हम पार्सिंग बोलते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रिंग को पार्स करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रिंग को पार्स करते हैं. अगर स्ट्रिंग पार्स हो गई तो एक पार्स ट्री क्रिएट होगी, एक पार्स ट्री मिलेगी आपको और उसको ही बोलते हैं हम पार्सिंग, एक स्ट्रिंग से पार्स ट्री बनाना. क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपाइलर प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड व्हाट. सोर्स प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में जो होगा उसको बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम, और जो आपका आप ट्रांसलेट होने के बाद मिलेगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या फिर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम. क्वेश्चन नंबर 11, अ सिस्टम प्रोग्राम दैट ब्रिंग्स टुगेदर सेपरेटली कंबाइंड मॉड्यूल्स ऑफ ए प्रोग्राम इनटू अ फॉर्म लैंग्वेज दैट इज सुटेबल फॉर एग्जीक्यूशन. ओके, अभी आपने कंपाइलेशन प्रोसेस देखी थी, कंपाइलेशन प्रोसेस में आपको याद हो लास्ट फेज था लिंकर, तो ये कुछ और नहीं है, लिंकर की डेफिनेशन लिखी हुई है इन्होंने. अ सिस्टम प्रोग्राम दैट ब्रिंग्स टुगेदर सेपरेटली कंबाइंड मॉड्यूल्स, सेपरेटली कंबाइंड मॉड्यूल्स, जैसे प्रिंट एफ था वो एज ए इनपुट गया और प्रिंट एफ क्या था, पहले से प्री कंपाइल्ड एक फंक्शन है, एक ऑब्जेक्ट फाइल है जो एज ए इनपुट जाएगी. एक लेट से आपका abc.eo एक आपका मेन प्रोग्राम था और आपके कोई और लाइब्रेरी फंक्शन था, ये सब क्या है, एक प्रोग्राम के मॉड्यूल्स हैं जो सेपरेटली कंबाइंड है, और ये सब जाएंगे लिंकर के पास में, और लिंकर क्या करेगा फाइनली आपको एक exe फाइल दे देगा इन सबको कंबाइन करने के बाद में. ओके, तो वही कह रहा है कि इनटू ए फॉर्म लैंग्वेज दैट इज सुटेबल फॉर एग्जीक्यूशन. ओके, दैट इज लिंकिंग लोडर. लिंकिंग लोडर दो मॉड्यूल्स का एक कॉम्बिनेशन है, लोडर और लिंकर. तो कुछ लिंकर्स जो हमारे पास में आज अवेलेबल है उनमें कुछ लिंकर्स में लोडिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, वही एज ए लोडर काम करते हैं और वही एज ए लिंकर काम करते हैं, और वो हमेशा मेमोरी के अंदर रहेंगे. एक प्रोग्राम लोडर जो प्रोग्राम है वो मेमोरी के अंदर हमेशा रहेगा, क्योंकि अगर आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो वो लोड भी करना होगा मेमोरी के अंदर. तो लोड करना है तो इसका मतलब क्या है कि लोडर की जरूरत पड़ेगी. लोडर एक प्रोग्राम है जो किसी भी प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से उठा के मेमोरी के अंदर लोड करता है, तो इसलिए लोडर को हमेशा हम मेमोरी के अंदर रखते हैं. क्योंकि अगर हमेशा मेमोरी के अंदर नहीं रखेंगे तो क्या नुकसान होगा, जब भी आपको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होगा तो वो लोड करना है, लोड करना है तो लोडर को कॉल करना पड़ेगा, लोडर को कॉल करना है तो फिर लोडर को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, यानी कि हर बार उसको मेमोरी के अंदर ले आना पड़ेगा. तो वही बात हो जाएगी रिकर्सिवली, क्योंकि लोडर ही लोड करता है किसी प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से मेमोरी में. अब लोडर भी एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना है तो इसको भी लोड होना पड़ेगा, इसको कौन लोड करेगा, क्योंकि लोडर खुद ही प्रोग्राम को लोड करता है, तो इसीलिए लोडर को हम हमेशा मेमोरी के अंदर रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, अ प्रोग्रामर बाय मिस्टेक राइट्स अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग देम, हाउ कैन दिस एरर बी डिटेक्टेड. तो किसी को एक प्रोग्राम लिखना था दो नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, लेकिन उसने क्या करा, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया है, इस तरह से कर दिया, तो इसमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है, ना तो इसमें सिंटैक्स एरर है, ना इसमें लेक्सिकल एरर है, ना इसमें सिमेंटिक एरर है, किसी भी तरह कोई एरर नहीं है. ये एक्चुअली में लॉजिकल एरर है जो कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, कंपाइलर कभी भी लॉजिकल एरर को नहीं पकड़ पाएगा. ओके, तो ये कह रहा है कि प्रोग्रामर बाय मिस्टेक राइट्स अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, लेकिन प्रोग्राम भी सही है, उसने प्रोग्राम सही लिखा है, लेकिन उसने क्या किया, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लिख दिया है. तो प्रोग्राम को क्या पता, कंपाइलर को क्या पता कि आप डिवाइड करना चाह रहे थे, तो आपके माइंड में है ना कि आपको डिवाइड करना था, तो ये एरर कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ना तो कंपाइलर ना ही इंटरप्रेटर. सो द आंसर इज नन ऑफ द मेंशनड अबव. हमेशा याद रखना कि लॉजिकल एरर कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. क्वेश्चन नंबर 13, द रेगुलर एक्सप्रेशन इन विच एनी नंबर ऑफ जीरोस इज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वंस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ टूज. तो ये कह रहा है कि आपके पास में एक लैंग्वेज है जिसमें स्ट्रिंग कुछ इस तरह की है, एनी नंबर ऑफ जीरोस एंड एनी नंबर ऑफ वंस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ टूज. ओके, तो इनमें से कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन इसको जनरेट कर सकता है. एनी नंबर का मतलब है जीरो स्टार. ओके, जीरो स्टार का मतलब यही है कि एनी नंबर, जीरो भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है.
तो 0 प्लस 1 प्लस 2 इसके साथ भी प्रॉब्लम क्या है? इसकी इस 0 प्लस 1 प्लस 2 का जब होल स्टार ले रहे, उसका मतलब ये कि कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन 0 1 2 के, इसमें इस तरह की स्ट्रिंग भी हो सकती है। ओके, या फिर कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है 0 1 2 से जो बनी हुई है। 0 1 2 से बनी हुई हर एक स्ट्रिंग इसके अंदर हो सकती है, लेकिन हमें क्या चाहिए? सिर्फ इस तरह की स्ट्रिंग चाहिए, 0 0 1 1 2 2, या फिर 0 1 2, या फिर 0 0 0 1 1 1 2 2 2, इस तरह की स्ट्रिंग चाहिए। जीरोस फॉलोड बाय वंस फॉलोड बाय टूस। तो अगर इसमें देखें सर, प्रॉब्लम क्या है? इसमें सिर्फ एक ही वन हो सकता है और एक ही टू हो सकता है, जीरोज कितने भी हो सकते हैं। यानी कि स्ट्रिंग किस तरह की हो सकती है? 0 1 2, या फिर 0 0 1 2, या फिर 0 0 0 1 2। लेकिन हम कह रहे हैं इसमें कहा है कि एनी नंबर ऑफ टूज, एनी नंबर ऑफ वंस, तो जो नहीं हो पाएगा इसमें, तो इसलिए ये भी गलत है। फिर ये गलत है, ये सही है, क्योंकि जो हमें चाहिए 0 प्लस 1 का स्टार 2 का स्टार। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये कि 0 1 2 के कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें। इसमें ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है कि 1 0 0 2, लेकिन हमें इस तरह की स्ट्रिंग नहीं चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि जीरोज फॉलोड बाय वंस फॉलोड बाय टूज, तो इस तरह की स्ट्रिंग सिर्फ एक ही दे सकता है, वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, द रेगुलर एक्सप्रेशन हैव ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस विद नो कॉन्सिक्यूटिव टू जीरोज। तो हमें ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें सभी स्ट्रिंग हो 0 1 की, सारी स्ट्रिंग्स हैव ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस विद नो टू कॉन्सिक्यूटिव जीरोज, जिसमें दो कॉन्सिक्यूटिव जीरोज नहीं हो सकते। यानी कोई स्ट्रिंग ऐसी नहीं हो सकती है कि 0 0 1 1, या फिर 1 0 0, या फिर 1 0 0 1, इस तरह की स्ट्रिंग अलाउ नहीं है। यानी कि दो कॉन्सिक्यूटिव जीरोज ना हो उसमें अंदर। तो पहला ऑप्शन है वो पहले ही रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि ऑल स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस, ये इसमें ठीक है, इसमें टू कंसेक्यूटिव जीरोज नहीं हो सकती, इसमें दो स्ट्रिंग होगी, या तो जीरो होगा या वन होगा, दो ही तरह की स्ट्रिंग आएगी, दो स्ट्रिंग आएगी सिर्फ। लेकिन ये कह रहा है कि ऑल स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस, बस दो स्ट्रिंग छोड़नी है, वो ये है कि इसमें टू टू कंसेक्यूटिव जीरोज ना हो। ये तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन देगा, 0 प्लस 1 का होल स्टार है, इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रिंग इस तरह की हो सकती है 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1, इसमें हर तरह का कॉम्बिनेशन 0 1 का हर एक कॉम्बिनेशन हो सकता है इसमें, तो ये भी गलत है। तो इसमें देखकर हम ध्यान से देखें इसमें किस किस तरह की स्ट्रिंग हो सकती है। इसमें स्ट्रिंग जो होगी वो होगी, अगर पहले यहाँ से 0 लें तो 0 हो सकता है, फिर यहाँ से लेट से नल लें तो 1 हो सकता है, फिर यहाँ से हम अगर 0 लें और यहाँ से 1 लें तो 0 1 हो सकता है, फिर यहाँ से लेट से यहाँ से नल लिया और यहाँ से 1 0 लिया तो 1 0 हो सकता है। तो इसमें कभी भी जो है टू कंसेक्यूटिव जीरोस नहीं आएंगी। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। डी में क्या प्रॉब्लम है? डी में प्रॉब्लम ये कि लेट से यहाँ से 0 लिया और बाहर से 0 0 1 लिया, तो 0 0 1 1 स्ट्रिंग बन गई, यानी कि टू कंसेक्यूटिव जीरोस आ गए, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज द रेगुलर एक्सप्रेशन विद ऑल स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस विद एटलीस्ट टू कॉन्जिक्यूटिव जीरोस। हमें टू एटलीस्ट टू कॉन्जिक्यूटिव जीरोस चाहिए एटलीस्ट। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट टू कॉन्जिक्यूटिव जीरोस। तो अगर इसमें देखें तो इसमें क्या होगा? इसमें सिंगल जीरो आ सकती है, इसमें या तो वन होगा, या स्ट्रिंग 10 होगी, या फिर स्ट्रिंग 1010 होगी, या फिर स्ट्रिंग 101010 होगी, इस तरह की स्ट्रिंग्स होगी इसके अंदर। तो इसमें एटलीस्ट टू जीरोज कह रहा है, लेकिन इसमें तो एटलीस्ट जीरो भी, जीरो जीरोज भी है, वन जीरोज भी हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। बी में क्या होगा? बी में जो स्ट्रिंग होगी वो इस तरह की होगी, ये दो जीरो तो हमेशा इंक्लूड होंगे ही होंगे, इनमें ऑप्शनल है। जब ये कह रहा है कि 0 प्लस 1 का होल स्टार, 0 प्लस 1 का होल स्टार, इसका मतलब है कि कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, एनी नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस है। ओके, तो यहाँ से लेट से आपने नल लिया और अंदर से नल, उसके बाद में 0 0, उसके बाद में यहाँ से भी लेट से नल लिया, तो पहली स्ट्रिंग होगी वो होगी 0 0। उसके बाद में जो भी स्ट्रिंग आएगी, यहाँ से कुछ भी लो, यहाँ से कुछ भी लो, लेकिन 0 0 तो हर एक स्ट्रिंग में इंक्लूड करना होगा, इसलिए एटलीस्ट 2 0 तो इसमें स्ट्रिंग में होगी ही होगी। इससे सारी की सारी स्ट्रिंग वो आएगी जिसमें एटलीस्ट 2 0 तो होगी होगी, क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है, ये हर स्ट्रिंग में इंक्लूड करनी पड़ेगी, इन पर कोई स्टार नहीं लगा हुआ है, जहाँ स्टार लगा हुआ है वो ऑप्शनल है, एनी नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस। सो सेकेंड इज द राइट आंसर। सी में क्या प्रॉब्लम है? सी में प्रॉब्लम ये कि सारी स्ट्रिंग नहीं दे पाएगा, जैसे कि इसने कहा कि एटलीस्ट टू कंसेक्यूटिव जीरोज होनी चाहिए, तो इसमें लेट से 10011 इस तरह की स्ट्रिंग नहीं आ पाएगी। ओके, यहाँ से स्ट्रिंग आ सकती है 0011। ओके, और यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसी भी आ सकती है कि 1011, ये स्ट्रिंग भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें 2 0s नहीं है। इसने कहा कि एटलीस्ट 2 0 होनी चाहिए, लेकिन इसमें एटलीस्ट 2 0 नहीं है, तो एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो वो नहीं हो सकता है। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, सो बी इज द राइट आंसर। और डी में क्या है? हमें 2 तो चाहिए ही नहीं, ये कह रहा है कि ऑल स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस, तो ये तो पहले ऑब्वियसली रॉन्ग है ये, तो इसका आंसर है बी।
So the next question is, which of the following is not the set of regular expression r equals to ab plus abb star bb ab. तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्ट्रिंग इस रेगुलर एक्सप्रेशन से हम जनरेट नहीं कर सकते हैं. रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका r equals to ab plus abb का होल स्टार into bb ab. तो इनमें से कौन सी स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर सकते हो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से. अगर इसको देखो तो आप यहां से स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो ab, फिर आपने फिर से लिया ab. ओके लेट्स से हमने लिया abb. ओके पहले ab लिया, अंदर से हमने एक स्ट्रिंग ली वो है ab abb, फिर बाहर से bb ab तो आएगा ही आएगा. ओके तो ये तो जनरेट हो सकती है आराम से. यहां से हमने ab लिया abb लिया, क्योंकि ये ab plus abb का होल स्टार यानी कि सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ab और abb के, तो ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है. सेकंड स्ट्रिंग ab, उसके बाद भी bb ab, यानी कि अंदर से ab लिया और बाहर से bb ab, तो ये स्ट्रिंग भी जनरेट हो सकती है ab bb ab, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. c में देखते हैं ab लिया बाहर से, फिर abb लिया. ओके हमने बाहर से अंदर से लिया ab देन abb, उसके बाद में abb एक बार और लिया, एक बार और ab लिया, उसके बाद में bb ab. ओके दिस इज पॉसिबल. यहां से हमने ab लिया पहले, उसके बाद में abb लिया. ओके फिर ab लिया और उसके बाद में बाहर से bb ab लिया दिस पार्ट, तो ये भी जनरेट हो सकती है. थर्ड फोर्थ वन ab 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 ab, तो ये तो जनरेट हो ही सकती है, क्योंकि ध्यान रखना जिस स्ट्रिंग में लास्ट में abb ab नहीं है तो जनरेट हो ही सकती है, क्योंकि ये मैंडेटरी है हर एक स्ट्रिंग के लास्ट में bb ab तो होगा ही होगा. इन सब स्ट्रिंग्स में लास्ट में bb ab है इसलिए जनरेट हो पा रही है bb ab, लेकिन इसमें bb ab नहीं है इसलिए जनरेट नहीं हो सकती. सो डी इज द राइट आंसर. ये पूछ रहा है कि कौन सी इनमें से नहीं हो सकती है जनरेट. क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रिंग जनरेटेड बाय दिस ग्रामर. हम एक ग्रामर दी है प्रोडक्शंस की फॉर्म में, और प्रोडक्शन से इस तरह से ए एस, एस टेंस टू बी ए, उसके बाद में ए टेंस टू डी, और फिर है ए टेंस टू सी सी ए. तो ये ग्रामर दी हुई है और हमें पूछा हुआ है इनमें से कौन सी स्ट्रिंग इससे जनरेट हो सकती है. पहली स्ट्रिंग देखते हैं, तो हमें जनरेट करना है ए ए बी सी सी डी. ओके सो जनरेट करने की कोशिश करते हैं, एस टेंस टू ए एस, फिर एस टेंस टू ए ए एस, डबल ए जनरेट हो गया. अब एस टेंस टू ए ए एस की जगह मैंने रखा बी ए. ओके अब मुझे चाहिए सी सी डी, फिर मैंने रखा एस टेंस टू ए ए बी, फिर ए टेंस टू रखा सी सी ए, एंड देन ए टेंस टू डी ए ए बी सी सी डी, तो ये जनरेट हो सकती है आराम से. ओके ए इज जनरेटेड. तो उसी तरह से हम और के साथ में ट्राई कर सकते हैं जो कि जनरेट नहीं हो पाएंगे, तो ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द प्रोडक्शंस ऑफ द फॉर्म एस टेंस टू ए ए टेंस टू ए ए टेंस टू बी बी, डिस्क्राइब द लैंग्वेज स्पेसिफाइड बाय द प्रोडक्शन ग्रामर. ओके तो हमें ये प्रोडक्शंस दिए हुए, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज से जनरेट हो सकती है. प्रोडक्शन से एस टेंस टू ए बहुत ही इजी है, ए टेंस टू ए एंड ए टेंस टू बी बी, तो इससे किस तरह की स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, इस तरह से चार तरह की स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है. चार तरह की, इस तरह से आपने कहा एस टेंस टू ए ए, देन आपने कहा एस टेंस टू ए ए, ए टेंस टू मैंने रखा ए ए एंड देन ए, फिर एस टेंस टू ए ए ए टेंस टू बी बी. ओके पहली स्ट्रिंग तो ये हो गई, फिर और क्या स्ट्रिंग हो सकती है एस टेंस टू, लेट्स से मैंने पहले एस को रखा बी बी, फिर ए, फिर एस टेंस टू बी बी ए ए. ओके फिर उसके बाद में सेकंड स्ट्रिंग जनरेट हो गई है, फिर जो अगली स्ट्रिंग होगी एस टेंस टू ए ए, दैट मीन्स एस टेंस टू ए ए ए, फिर से मैंने ए टेंस टू ए ए रखा, तो ये स्ट्रिंग हो गई थर्ड, फिर एस टेंस टू ए ए, फिर मैंने बी बी के लिए रखा बी बी ए, देन बी 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 बी, तो चार तरह की स्ट्रिंग हो गई है ए ए बी 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 ए, फोर टाइम्स ए फोर टाइम्स बी, सो फोर टाइम्स ए फोर टाइम्स बी ए ए बी 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 ए. ओके ओके दिस स्ट्रिंग कैन बी जनरेटेड. ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो सकती क्योंकि ए बी ए बी तो पॉसिबल है ही नहीं, ट्रिपल ए पॉसिबल नहीं है, फोर टाइम्स ए पॉसिबल है, ए बी ए भी पॉसिबल नहीं है. ओके तो ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग. सो वी नो दैट रेगुलर एक्सप्रेशन इज रिलेटेड टू लेक्सिकल एनालाइजर. सो लेक्सिकल एनालाइजर यूज द रेगुलर एक्सप्रेशन टू रिकॉग्नाइज
टोकन्स ओके तो लेक्सिकल एनालाइजर ये कैसे रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा टोकन किस क्लास में रखना है, वो क्लासेस डिफाइन करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। उसके बाद में पुश डाउन ऑटोमेटा, हमें पता है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो पुश डाउन ऑटोमेटा से रिलेटेड है। पुश डाउन ऑटोमेटा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस पर काम करता है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हम कहाँ यूज करते हैं, सिंटैक्स एनालाइजर के अंदर। ओके रजिस्टर एलोकेशन हम यूज करते हैं कोड जनरेशन में, और डेटा फ्लो एनालिसिस हम करते हैं कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो इस हिसाब से पी इज रिलेटेड टू 3 एंड क्यू इज रिलेटेड टू 1, आर इज रिलेटेड टू 4 एंड एस इज रिलेटेड टू 2, सो दैट इज 3142 इज द आंसर, 3142 दैट इज बी। द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल टेंस टू नल इज सेट टू बी नल प्रोडक्शन। ओके कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ हो ए टेंस टू नल, ओके या फिर ए टेंस टू नल, नल को हम कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी नल का सिंबल है और ये भी नल का सिंबल है, ये सब क्या है, नल के सिंबल्स हैं। नॉन टर्मिनल इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल या फिर वेरिएबल, और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनल्स, ये है टर्मिनल्स। तो नॉन टर्मिनल टेंस टू नल इज सेट टू बी नल प्रोडक्शन, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 21, इन ए कंपाइलर द मॉड्यूल दैट चेक्स एवरी कैरेक्टर ऑफ द सोर्स टेक्स्ट इज कॉल्ड व्हाट। जैसे मैंने अभी बताया था लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, आपके प्रोग्राम को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के बाद में उसको टोकन्स में डिवाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 22, द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज एम्बिग्वस इफ द ग्रामर कंटेन्स नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस मोर देन वन पार्स ट्री। ओके ग्रामर को हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एम्बिग्वस तभी बोलते हैं अगर उसके एक से ज्यादा पार्स ट्री बनते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन। ओके या तो फिर लेफ्ट के दो पार्स ट्री है या फिर राइट के दो पार्स ट्री है। क्वेश्चन नंबर 23, अनदर नेम फॉर लेक्सिकल एनालाइजर मैंने बताया था क्या है, स्कैनिंग। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, प्रोग्राम को स्कैन करता है। ओके वर्ड बाय वर्ड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, सो स्कैनर भी बोलते हैं हम लेक्सिकल एनालाइजर को। क्वेश्चन नंबर 24, एन इंडिविजुअल टोकन इज कॉल्ड लैक्समी। ओके लैक्समी इज द इंडिविजुअल टोकन, और टोकन क्या है, क्लास है, जैसे आइडेंटिफायर एक क्लास है टोकन्स की, ऑपरेटर्स एक टोकन्स की क्लास है। तो इस तरह से जो टोकन का नाम है एक्चुअल में, जैसे आपने कहा एबीसी, एबीसी एक लैक्समी है और एबीसी एक आइडेंटिफायर क्लास का एक टोकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेक्सिकल एनालाइजर्स आउटपुट इज गिवन टू सिंटैक्स एनालिसिस। बिल्कुल सही है, पहला फेज क्या है लेक्सिकल एनालाइजर, और लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है आपको देगा टोकन्स, और टोकन्स ऐसे इनपुट जाएंगे किसके पास, पार्सर के पास में, और पार्सर को ही हम सिंटैक्स एनालाइजर भी बोलते हैं, और लेक्सिकल एनालाइजर को हम स्कैनर भी बोलते हैं। ओके तो बिल्कुल सही है, हर एक स्टेज का जो आउटपुट है वो अगले स्टेज पे ऐसा इनपुट जा रहा है, तो दैट इज ट्रू। Which phase of the compiler is lexical analyzer? Lexical analyzer क्या है, पहला ही phase है, first phase. Question number 27. Input to lexical analyzer is source code. क्योंकि पहला ही आपका phase है lexical analyzer, तो lexical analyzer को ऐसे input जाएगा source code. Syntax analyzer को ऐसे input जाएगा tokens. Semantic analyzer को ऐसे input जाएगा parse tree. उसके बाद में intermediate code generator को ऐसे input जाएगा semantic tree. लाइक दिस कोड ऑप्टिमाइजर को जाएगा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर एज ए इनपुट, और टारगेट कोड जनरेटर को एज ए इनपुट जाएगा ऑप्टिमाइज्ड इंटरमीडिएट कोड, तो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, अ लेक्समी इज ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स विच फॉर्म ए सिंटैक्टिक यूनिट। ओके लेक्समी, वेन एक्सप्रेशन सम इक्वल टू 3+2 इज टोकनाइज्ड देन वॉट इज द टोकन कैटेगरी ऑफ 3। इसमें चार टोकन्स होंगे, सम एक आइडेंटिफायर, इक्वल एक ऑपरेटर, 3 एक कॉन्स्टेंट, प्लस एक ऑपरेटर, 2 एक कॉन्स्टेंट, तो 1, 2, 3, 4, 5 टोकन्स हैं। इनके अलग अलग क्लासेज होंगे, जैसे आइडेंटिफायर है, ओके ये ऑपरेटर है, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, ये क्या है इंटीजर लिटरल है कॉन्स्टेंट। तो आइडेंटिफायर कौन है, ये आइडेंटिफायर है, ये एक्चुअल में तीन के बारे में पूछ रहा है। तो ये चार ऑपरेटर, इसमें एडिशन ऑपरेटर ये हो गया, उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर ये हो गया, सम क्या हो गया आइडेंटिफायर, और 3 और 2 जो हैं ये इंटीजर लिटरल्स हैं।
क्वेश्चन नंबर 30, विच ग्रामर डिफाइंस लेक्सिकल सिंटैक्स? लेक्सिकल सिंटैक्स कौन डिक्लेयर करता है? रेगुलर ग्रामर. रेगुलर ग्रामर में क्या यूज करते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशंस और डीएफएज. तो लेक्सिकल सिंटैक्स जो भी डिफाइन करेगा वह है रेगुलर ग्रामर. और सिंटैक्स जो जो आपके जो सिंटैक्टिकली आपके प्रोग्राम को चेक करेगा वो चेक करेगी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स. द आउटपुट ऑफ ए लेक्सिकल एनालाइजर इज स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, हम पहले ही देख चुके हैं. विच फेस ऑफ कंपाइलर इज सिंटैक्स एनालिसिस? सिंटैक्स एनालिसिस क्या है? सेकेंड फेज है. पहला फेज है आपका लेक्सिकल एनालाइजर और दूसरा फेज है सिंटैक्स एनालाइजर. तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि हम फर्स्ट लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं. हमें 100 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं कंपाइलर के, और आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन वो 50 क्वेश्चन थोड़े ईजी लेवल के होंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे. तो इस इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कंपाइलर है क्या, किस किस जगह पे क्या चीज़ें यूज हो रही हैं. मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस. व्हाट इज सिंटैक्स एनालाइजर आल्सो नॉन एज? सिंटैक्स एनालाइजर को हम पार्सर भी बोलते हैं. ओके, हायरार्किकल पार्सिंग. सिंटैक्स एनालाइजर टेक्स ग्रुप ऑफ टोकन्स एज सोर्स प्रोग्राम इन टू ग्रामेटिकल प्रोडक्शंस. ओके, तो हमें पता है कि सिंटैक्स एनालाइजर क्या लेगा? ऐसे टोकन लेगा एज ए इनपुट. किसके पास जाएंगे? सिंटैक्स एनालाइजर के पास में, और वो उन टोकन्स को ग्रामर्स की फॉर्म में, ग्रामर्स के अंदर लेगा. ग्रामेटिकल प्रोडक्शंस, यहाँ पे सिंटैक्स एनालाइजर के पास में प्रोडक्शंस की फॉर्म में ग्रामर्स होगी. जैसे ई टेंस टू एफ इक्वल्स टू आई डी हमने अभी देखी थी. तो इस तरह के प्रोडक्शंस होंगे, उन प्रोडक्शंस में इन टोकन्स को लगा के देखेगा कि अगर ये प्रोडक्शंस से हम ये टोकन्स जनरेट कर पा रहे हैं, ये स्ट्रिंग ऑफ टोकन जनरेट कर पा रहे हैं, तो वो सही है. दैट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 35, फ्रॉम वेयर इट टेक्स इट्स इनपुट फ्रॉम? ये बात कर रहा है, इट की बात कर रहा है सिंटैक्स एनालाइजर की. फ्रॉम वेयर इट टेक्स एज टेक्स इट्स इनपुट फ्रॉम. ओके, सो जो आपका सिंटैक्स एनालाइजर है उसमें इनपुट आएगा लेक्सिकल एनालाइजर से, और जो सिंटैक्टिक एनालाइजर है उसमें इनपुट आएगा कहाँ से? लेक्सिकल एनालाइजर से. और सिंटैक्टिक एनालाइजर जो इनपुट देगा वो देगा सिमेंटिक एनालाइजर को. अ ग्रामर फॉर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट? फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ, जो ग्रामर है वो एक्चुअल में सिंटैक्स को बताता है कि सिंटैक्स किस इस तरह से फॉर्म में होंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंटैक्स क्या होगा. विच ऑफ दीज फीचर्स ऑफ असेंबलर आर मशीन डिपेंडेंट? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, एड्रेसिंग मोड, प्रोग्राम रिलोकेशन. सो तीनों के तीनों जो भी हैं ये सब क्या है? मशीन डिपेंडेंट है. हर एक मशीन का एक इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होगा, और उसके अंदर ये तीनों चीज़ें होती है. आईएसए जिसको हम बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, और ये मशीन टू मशीन डिफर करता है, मशीन डिपेंडेंट है. क्वेश्चन नंबर 38, अ कंपाइलर कैन चेक सिंटैक्स एरर बट कैन नॉट चेक लॉजिकल एरर. लॉजिकल एरर कोई भी कंपाइलर पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वो लॉजिकल एरर है. क्वेश्चन नंबर 39, सेलेक्ट ए मशीन इंडिपेंडेंट फेस ऑफ द कंपाइलर. जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको 6 फेसेस बताए थे, वो ये बताया था कि पहले जो 3 फेस है वो फ्रंट एंड बोलते हैं, और जो लास्ट के 3 फेस है उनको बोलते हैं बैक एंड. फ्रंट एंड जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट है, और जो बैक एंड है उसमें मशीन डिपेंडेंट है. मशीन डिपेंडेंट में 3 फेसेज हैं लास्ट के, जिनको हम बैक एंड बोलते हैं. वो 3 फेसेज हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, उसके बाद में कोड ऑप्टिमाइजर, एंड देन फाइनली टारगेट कोड जनरेशन. तो उनमें से एक फेस है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, जो कि मशीन इंडिपेंडेंट है. ओके, सॉरी, इट इज आस्किंग मशीन इंडिपेंडेंट फेस. तो मशीन इंडिपेंडेंट फेस इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन. ओके, जो एक्चुअली वी डिड ए मिस्टेक. द कॉन्सेप्ट इज दैट जो फर्स्ट 3 फेसेस हैं, जो फ्रंट एंड है वो मशीन डिपेंडेंट है, और जो बैक एंड है वो मशीन इंडिपेंडेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड इन दी मेन मेमोरी ऑलवेज? तो जैसे मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि लोडर जो होगा, लोडर क्या करता है? लोडर प्रोग्राम को लोड करता है हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर. तो अगर आपको कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो पहले उसको हार्ड डिस्क से रैम में ले जाना पड़ेगा, और वो काम करेगा लोडर. तो लोडर हमेशा मेमोरी के अंदर होना ही चाहिए, दैट इज लोडर. आउटपुट फाइल ऑफ लेक्स इज द इनपुट फाइल इज माई फाइल. तो लेक्स क्या है पहली चीज? लेक्स समझना जरूरी है. तो हम ये जो पूरी फिगर है ये बता रही है कि लेक्सिकल एनालाइजर जो फेस है वो हम कैसे जनरेट करते हैं. लेक्सिकल एनालाइजर क्या है? एक प्रोग्राम है. ओके, एक प्रोग्राम है, एक कोड है लेक्सिकल एनालाइजर जो प्रोग्राम है, उसको हम एज इनपुट देते हैं प्रोग्राम, और आउटपुट मिलेगा आपको आपको टोकन्स मिलेंगे. लेकिन लेक्सिकल एनालाइजर को भी हम जनरेट कैसे करते हैं? इनिशियली आप क्या करते हो, आपके पास में प्रोडक्शन रूल्स हैं, आपके पास में रेगुलर एक्सप्रेशन है. रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बता रहे हैं? स्ट्रक्चर बता रहे हैं प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होगा.
तो आपने प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में रखा हुआ है. आपने वो रेगुलर एक्सप्रेशन लेक्स कंपाइलर को दिया. लेक्स कंपाइलर ने क्या करा, उन रेगुलर एक्सप्रेशन से एक प्रोग्राम दे दिया आपको, सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम. उसको बोलते हैं लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी. ये एक प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का जो हमने जनरेट किया है प्रोडक्शन से. आपने एज जो आपके रेगुलर एक्सप्रेशन था, रेगुलर एक्सप्रेशन आपने एज ए इनपुट दिया लेक्स कंपाइलर को, लेक्स कंपाइलर ने आपको दिया प्रोग्राम, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम. अब ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है. अब आपको क्या करना है, इससे लेक्सिकलाइजर बनाना है. तो आपने लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम था वो कंपाइलर को दिया. कंपाइलर ने हमेशा की तरह आपको एक फाइल दे दी ए डॉट आउट. ओके, ये आपकी आउटपुट फाइल है. अब ये ये है आपका लेक्सिकल एनालाइजर जिसको और जो आपको चाहिए था. ये लेक्सिकल एनालाइजर है ए डॉट आउट. अब आप इसमें एज ए इनपुट दोगे प्रोग्राम, अपना हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम, और आपको आउटपुट मिलेगा सिक्वेंस ऑफ टोकन्स. तो यहाँ तक जो था आपने लेक्सिकल एनालाइजर बनाया है, अपना लेक्सिकल एनालाइजर बनाया है. कैसे, रेगुलर एक्सप्रेशन से. अगर आप कोई अपनी कल कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने से पहले आपको करना होगा, आपको उसके रूल्स बनाने होंगे. ये रूल्स किस तरह के होंगे, सिंटैक्स किस तरह के होंगे, उसके सिंटैक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वो सब आप कैसे बताओगे, वो सब बताओगे आप प्रोडक्शन रूल्स के थ्रू एंड रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू. तो यहाँ पे आपने पहले लेट्स से कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा कि मेरे जो टोकन्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे. टोकन्स का स्ट्रक्चर बताते हो आप प्रोडक्शन रूल्स के थ्रू, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू. तो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन जो लिखे थे वो ऐसे इनपुट दिए लेक्स कंपाइलर को. लेक्स कंपाइलर आपके पास में पहले से अवेलेबल है. लेक्स कंपाइलर ने क्या किया, आपको एक सी फाइल दे दी. ये सी फाइल जो है इसमें कोड है लेक्सिकल एनालाइजर का. ओके, आपको पूरा का पूरा सी कोड, लेक्सिकल एनालाइजर का कोड लिखने की जरूरत नहीं है. बस आपके पास में रूल्स होने चाहिए, उन रूल से आप प्रोग्राम बना सकते हो. ठीक है, ऐसे ही कि आपने कोई थर्ड पार्टी टूल यूज किया है एक लेक्सिकल एनालाइजर जनरेट करने के लिए. तो लेक्सिकल एनालाइजर जनरेट हो गया है, अब आपको फाइनली उससे exe फाइल चाहिए, वर्किंग कोड, वर्किंग एक सॉफ्टवेयर चाहिए. तो सी कोड को आपने कंपाइल किया, आपको एक आउटपुट फाइल मिली, वो आपका लेक्सिकल एनालाइजर था. अब उसमें आपने एज ए इनपुट दिया इनपुट स्ट्रिंग और आपको मिला सीक्वेंस ऑफ टोकन्स. अब ये पूछ रहा है कि आउटपुट फाइल ऑफ लेक्स इज व्हाट. तो आउटपुट फाइल क्या है लेक्स की, लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी. दैट इज आपकी फाइल का नाम था माई फाइल. तो आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा माई फाइल डॉट वाई वाई डॉट सी. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42. टाइप चेकिंग इज नॉर्मली डन ड्यूरिंग व्हाट. तो टाइप चेकिंग इज डन इन द सिंटैक्स एनालिसिस फेज. क्वेश्चन नंबर 43. सपोज वन ऑफ द ऑपरेंड इज स्ट्रिंग एंड अदर इज इंटीजर, देन इट डज नॉट थ्रो एरर एज इट ओनली चेक्स वेदर देयर आर टू ऑपरेंड्स एसोसिएटेड विद प्लस और नॉट. ओके, दिस इज एक्चुअली फॉल्स. जब आप ये कह रहे हो कि आपके पास में एक तो स्ट्रिंग है ए बी सी और एक मेरे पास में इंटीजर वैल्यू है 12 लेट्स है, और आप क्या कर रहे हो ए बी सी प्लस 12 कर रहे हो, तो ये कह रहा है कि प्रोग्राम कोई एरर नहीं देगा क्योंकि ये सिर्फ ये चेक करता है कि प्लस के साथ में दो ऑपरेटर है या नहीं, दो ऑपरेंड्स हैं या नहीं. तो उसने देखा कि दो ऑपरेंड्स तो है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन सिमेंटिक एनालिसिस फेस में क्या होगा, सिमेंटिक एनालिसिस फेस में टाइप चेकिंग होगी और टाइप चेकिंग के टाइम पे ये एरर पकड़ा जाएगा. लेकिन ये कह रहा है कि एरर पकड़ा नहीं जाएगा, तो दिस इज फॉल्स. इन शॉर्ट सिंटैक्स एनालिसिस जनरेट्स पार्स ट्री, दिस इज ट्रू. ओके, सिंटैक्स एनालाइजर यही तो काम करता है ना, स्ट्रिंग से पार्स ट्री जनरेट करता है और वो पार्स ट्री आप एज इनपुट देते हो सिमेंटिक एनालाइजर को. क्वेश्चन नंबर 45. बाय होम इज द सिंबल टेबल क्रिएटेड. सिंबल टेबल क्रिएट करता है कौन, कंपाइलर, और बाकी सब उसको यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 46. सिमेंटिक एनालाइजर इज यूज फॉर वॉट. सिमेंटिक एनालाइजर में हम क्या करते हैं, सिंबल टेबल को मेंटेन करते हैं. पहले फेस में लेक्सिक एनालाइजर में आप सिंबल टेबल में राइट करते हो, और सिमेंटिक एनालाइजर में टाइप चेकिंग के लिए, अगर आपको टाइप चेकिंग करनी है और टाइप कहाँ है, टाइप आपने रिकॉर्ड किए हुए हैं सिंबल टेबल के अंदर, तो टाइप चेकिंग के टाइम पे आपको सिंबल टेबल को चेक करना होगा. ओके, उसमें से आपको वेरीफाई करना होगा, रीड करना होगा सिंबल टेबल को. तो सिमेंटिक एनालिसिस फेस में आप सिंबल टेबल को रीड करते हो, लेक्सिकल एनालाइजर फेस में उसमें राइट करते हो कुछ. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेशंस डज ए टॉप डाउन पार्सर यूज व्हाइल पार्सिंग एन इनपुट. तो आपके पास में पार्सर्स हैं सिंटैक्स एनालाइजर के अंदर. सिंटैक्स एनालाइजर में जो पार्सर्स हैं वो दो तरह के हैं, टॉप डाउन पार्सर्स एंड बॉटम अप पार्सर्स. तो जो टॉप डाउन पार्सर्स हैं वो यूज करते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और जो बॉटम अप पार्सर्स हैं वो यूज करते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स. ओके, ये याद रखना है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको. तो ये पूछ रहा है टॉप डाउन पार्सर में, टॉप डाउन पार्सर में हम यूज करते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. ये जो राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स है ये यूज करते हैं हम बॉटम अप पार्सिंग में. क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स. लेफ्ट एज वेल एज राइट मोस्ट डेरिवेशन कैन बी इन अनएम्बिगुअस ग्रामर.
LL1 parser is a top-down parser. This is true. LLR is more powerful than SLR. This is also true. This is saying MBX grammar can't be LRK, but this is false. MBX grammar can be LRK, and if we can convert this MBX grammar into unambiguous grammar. We have some grammars which are initially ambiguous, but we can parse them through the LRK parsers. So this is the right answer. This is asking about the false. Given the following expression grammar, E tends to E, E into F, F plus E, F. तो अगर आपको ये देखना है कि higher precedence किसकी है, तो simply सबसे छोटा, सबसे अच्छा तरीका है कि parse tree बना लो. आपने कहा E tends to E into F. Okay. फिर आपने कहा F tends to F minus F. And then F tends to ID. तो कुछ ऐसे है. तो याद रखना जो सबसे लास्ट के लेवल पे होगा उसकी सबसे हाईएस्ट प्रेजेंस होगी. उससे ऊपर लेवल पे जो होगा तो हमेशा जो सबसे ऊपर के लेवल पे सबकी सबसे लोएस्ट प्रेजेंस है, तो सबसे लास्ट में उसकी सबसे हाईएस्ट प्रेजेंस है. तो जैसे मल्टीप्लिकेशन प्लस ये सब कहाँ है, ये सब सेम लेवल पे है, तो इन दोनों की प्रेजिडेंस जो है वो सेम है. अब ये दूसरे लेवल पे है, माइनस एंड आई डी, इनकी प्रेजिडेंस सेम है और ज्यादा है किससे, प्लस एंड स्टार से. तो स्टार की जो प्रेजिडेंस है वो इक्वल है प्लस के, बट लेस देन है किससे, माइनस से, और माइनस की और आईडी की दोनों की इक्वल प्रेसिडेंस है. ओके, तो इस तरह से है, पहले माइनस फिर प्लस और स्टार. तो फर्स्ट ही सेइंग स्टार हैज हायर प्रेसिडेंस देन प्लस, दिस इज फॉल्स. जो जितने नीचे लेवल पे होगा उसकी इतनी हायर प्रेसिडेंस होगी, जैसे माइनस की हायर प्रेसिडेंस होगी मल्टीप्लीकेशन से, जो सेम लेवल पे हैं उनकी सेम प्रेसिडेंस होंगी. तो माइनस हैज हायर प्रेसिडेंस देन मल्टीप्लीकेशन, दिस इज ट्रू. प्लस एंड माइनस हैव सेम प्रेसिडेंस, दिस इज फॉल्स, बिकॉज ये अलग अलग लेवल पे है. एक्चुअल में स्टार की और प्लस की सेम प्रेसिडेंस है, लेकिन प्लस की और माइनस की नहीं है. प्लस हैज हायर प्रेसिडेंस देन स्टार, दिस इज फॉल्स, क्योंकि स्टार एंड प्लस सेम लेवल पे है तो उनकी सेम प्रेसिडेंस है. तो बी इज द राइट आंसर, माइनस हैज हायर प्रेसिडेंस देन स्टार. लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग सफिसेस टू कन्वर्ट एन आर्बिट्री सीएफजी टू एन LL1 ग्रामर. तो LL1 ग्रामर में हम क्या देखते हैं, LL1 ग्रामर जो है वो क्या है, टॉप डाउन पार्सिंग है. और टॉप डाउन पार्सिंग में दो चीज ध्यान रखनी होती है, ना तो लेफ्ट रिकर्सन हो और ना ही लेफ्ट फैक्टरिंग हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम करते हैं पार्सिंग के थ्रू. लेफ्ट रिकर्सन का मतलब क्या है, लेफ्ट रिकर्सन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में कोई लेफ्ट में एक सिंबल है, एक नॉन टर्मिनल है, वेरिएबल है, तो अगर वो पहले प्लेस पे राइट हैंड साइड में अपियर हो रहा है तो ये क्या है, ये लेफ्ट रिकर्सन है. क्योंकि इससे क्या होगा, आप ए टेंस टू ए बी रखोगे, फिर आपको ए टेंस टू ए बी रखना होगा, फिर ए टेंस टू ए बी रखना होगा. तो इस तरह से ये लेफ्ट, ये इन्फाइनाइट अंदर चलता रहेगा, ये लेफ्ट रिकर्शन होगा. तो टॉप डाउन पार्सर इसको पार्स नहीं कर पाएगा. लेफ्ट रिकर्शन में क्या होगा, लेट से आपके पास में कुछ ऐसे हैं, ए टेंस टू ए बी ए सी ए डी. अगर पहला सिंबल सेम है, लेफ्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में पहला सिंबल सेम है, ओके, मे बी ये ए ना हो, इस तरह से मान सकते हो ए टेंस टू अल्फा बीटा, देन अल्फा बीटा वन, देन अल्फा बीटा टू, इस तरह से मान सकते हो. तो अगर पहला सिंबल सेम है हर एक प्रोडक्शन में जो सेम लेवल पे है, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग, जो कि एक प्रॉब्लम हो सकती है. क्योंकि आप अगर आपको एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है इस तरह से अल्फा बीटा टू, तो आपको ये पता नहीं लग पाएगा कि आप, क्योंकि एक बार में एक ही सिंबल को रीड करते हो अल्फा, जैसे आपने अल्फा रीड किया तो अल्फा के साथ में तीन प्रोडक्शंस हैं, तो ये तीन प्रोडक्शन में से कौन सा अप्लाई करें हम, अल्फा बीटा या फिर अल्फा बीटा वन या फिर अल्फा बीटा टू. हम तो देख सकते हैं आराम से कि अल्फा बीटा टू अप्लाई करना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर कैसे देख पाएगा, वो यहाँ पे फंस जाएगा क्योंकि तीन ऑप्शंस हैं, एम्बिग्विटी आ रही है. तो इसलिए ना तो लेफ्ट रिकर्शन हो ना लेफ्ट फैक्टरिंग हो, तभी ये ग्रामर LL1 हो सकती है. रिमूविंग लेफ्ट रिकर्शन ओनली, नो. फैक्टरिंग द ग्रामर अलोन, नो. एक्चुअली फैक्टरिंग एंड लेफ्ट रिकर्शन रिमूवल दोनों को रिमूव करना होगा अगर आपको ग्रामर LL1 ग्रामर के थ्रू, अगर वो सी एफ जी आपको LL1 ग्रामर के थ्रू पार्स करनी है. तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो वी हैव कम्प्लीटेड टोटल 50 क्वेश्चंस एंड थ्योरी ऑफ कंपाइलर डिजाइन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑन कंपाइलर डिजाइन विच विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.